वर्ल्ड ऑर्डर कहने को अमेरिका के जेर क्यादत है, हकीकत में अमरीका खुद यहूदियों के पंजे में। एक बात तो बड़ी तलख है, अभी बकिया निस्म में बड़ी क्यामतें गुजरने वाली, इसी में दज्जाल अकबर का जहूर होगा, इसमें हमारे ऊपर तकालीफ और मसाइब अभी और उसके साए गहरे होंगे। बड़ा पक्का साबित हुआ नवाज शरीफ इस्लाम का नाम नहीं लिया, और सबसे बढ़कर खानदानी निजाम को बर्बाद करने के लिए यह बहबूद आबादी का प्रोग्राम। और देखिए जादू वो जो सर चढ़कर बोले, और कुछ रोज सजाओं से लहू बरसेगा और गमनाक ये तारीख अंधेरे होंगे, ये वही इबलीसी ताकत है जो आगे बढ़ रही है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का यूं समझिए कि अभी ये हार्ड नट टू क्रैक, अभी एक लोहे का चना है चाइना की शक्ल में मौजूद। ये 45 बरस के बाद अमेरिका को कैसे ख्याल आ गया कि कश्मीर का मसला वाकई है, हकीकत में अमेरिका की नजर है, और वो उसको चाहते हैं कि एक दूसरा इसराइल बनाए, आजाद बनाकर उसको अपने तसल्लुत में ले। आपको आजाद कश्मीर से भी अपनी फौजें निकालनी पड़ेंगी, आपको गिलगित और बल्तिस्तान से भी फौजें निकालनी पड़ेंगी, भारत भी उधर से फौजें निकालेगा, और रह जाएगा कौन? फिर तो वही राज करेगा जो यूएनओ पर काबिज है, और फिर जाहिर बात है कि उसके पास दौलत के अंबार और जो भी उनकी चालाकियां और होशियारियां हैं, हो सकता है कि वो इसे एक नए इसराइल की शक्ल दे दे। ऐसी ऐसी भारी जंगें, हुजूर फरमाते हैं इतने लोग हलाक होंगे कि परिंदा उड़ता चला जाएगा, उतरने की जगह नहीं मिलेगी, लाशें ही लाशें होंगी, ये शक्ल होने वाली है। जबकि आलम अरब में वो भट्टी दहकेगी, उसी वक्त यहां इंकलाब आ चुका होगा, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, उधर मिस्र, लीबिया, अलजजायर, मराकश, मारितानिया, इसी तरीके से इंशाल्लाह इसी इलाके से इसका आगाज होगा और बात आगे बढ़ेगी। ये इकबाल ने कहा कि दुनिया को है फिर मार गए रूह बदन पेश, इबलीस ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये दोबारा एक बहुत बड़े पैमाने पर हक़ और बातिल का घमसान का रंग पड़ने वाला है कि इसमें जो कुव्वतें एक दूसरे के मुकाबले आ रही हैं वो कौन सी है। मुसलमानों के हाथों करा रहे हैं, काहिरा में कॉन्फ्रेंस कराई है एक मुसलमान मुल्क में, और यह कि उसको ऑर्गेनाइज करने वाली एक पाकिस्तानी मुसलमान औरत, ये 1 मई जो मनाया जाता है, धोखा यह दिया गया है कि ये शिकागो के जो मजदूर हैं उनकी यादगार है, हकीकत में ये 1 मई और 1776 ऑर्डर ऑफ द इल्यूमिनाटी की तासीस की तारीख। तंजीम इस्लामी ने अपने लिए हदफ मुअय्यन किया है निजाम खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का क़याम, पहले पाकिस्तान में और फिर कुल्लू अर्ज़ी पर। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा, ताकि हमारा रابطہ बहाल रहे। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, ये एक जलसा आम है और जलसा आम की तकारीर का मिजाज कुछ और होता है, लेकिन मेरी एक मजबूरी है, मैं बुनियादी तौर पर कुरान और सुन्नत व सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तालिब इल्म हूं, और मैंने अपनी जिंदगी इन्हीं चीजों के दर्स और तदरीस में बसर की है। इस वक्त भी मुझे आपके सामने कुरान हकीम की 3 आयात और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 6 अहादीस पेश करनी, और चूंकि अंदाज में दर्स का रखना चाहता हूं इसलिए अक्सर व बेशतर हजरात तक ये 4 वर्का पहुंच चुका है कि उन आयात और अहादीस का मतन भी उनके सामने मौजूद रहे। सबसे पहले इसमें 2 आयात हैं सूरह सफ की, हुवल्लज़ी, बल्कि युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा वदीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही
ولو كره المشركون صدق الله العظيم. یہ دو آیات مبارکہ قرآن حکیم میں ایک تو سورہ صف میں وارد ہوئی ہیں جو میں نے ابھی تلاوت آپ کو کر کے سنائی، ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ بین ہی یہی دو آیات، دوسری آیت جو کہ تو انہی الفاظ میں، پہلی آیت میں تھوڑا سا لفظی فرق، اسی ترتیب کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی وارد ہوئی، وہاں فرمایا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يريدون، یہ لوگ ارادہ کیے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں، عام طور پر ترجمہ کر دیتے چاہتے ہیں، نہیں، چاہت سے بڑا اونچا معاملہ ہے ارادہ. يريدون، یہ تلے ہوئے ہیں اس بات پر، لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ، اور اللہ کا اٹل فیصلہ ہے، وہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، کا یہ کافروں کو کتنا ہی ناپسند. دوسری جگہ فرمایا يُرِيدُونَ ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویاب اللہ الا ان یتم نورہ، یہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھا دے، اور اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر صرف یہ کہ وہ اپنے دین کا، اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے ہیں. یہاں یریدون کا فاعل کون ہے؟ کون تلے ہوئے؟ عام طور پر شاید ہم تمام کفار کو اس میں جمع کر جاتے ہیں، تعین کے ساتھ یہاں یہودی مراد ہے. سورہ صف اور سورہ توبہ دونوں میں اس سے قبل یہود کا تذکرہ ہے. یہودی تلا ہوا ہے، یہودیوں کا اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھائے گا. اس کو اچھی طرح نوٹ کر لیجئے کہ تاریخ انسانی میں خیر و شر کی جو کشمکش رہی ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ اصل میں ایک طرف ابلیس اور اس کی ذریت ہے، سلبی بھی مانوی بھی، دوسری طرف اللہ کے رسول اور ان کے امتی رہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، کشمکش جاری رہی. قرآن مجید میں 7 مقامات پر قصہ آدم و ابلیس ہے. اللہ سے اس نے مہلت مانگی قیامت تک کے لیے کہ مجھے مہلت دے کہ میں ثابت کر سکوں کہ آدم اور اس کی ذریت، اس کی نسل تیری وفادار نہیں رہے گی، میں انہیں گمراہ کر کے چھوڑوں. قرآن کا ہر طالب علم جانتا ہے اللہ نے اسے مہلت دی، اور اس نے پھر جو دھمکی دی تھی، بار بار آیا ہے میں آدم کی نسل کا اغوا کر کے رہوں گا، انہیں گمراہ کر کے رہوں گا، ان پر سامنے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ آور ہوں گا، بائیں سے حملہ آور ہوں گا، اور تو دیکھے گا اے پروردگار کہ تو نے جو مقام اور مرتبہ خلافت عطا کیا آدم کو، آدم کی ذریت اس کی اہل ثابت نہیں. یہ چیلنج ہے جو قرآن مجید میں آیا ہے. اب ایک بات یہ نوٹ کیجئے کہ اس ذریت آدم کا جو ازلی دشمن ہے ابلیس، اس کا سب سے بڑا ایجنٹ اس دنیا میں کئی ہزار برس سے یہودی ہے. دنیا میں انسانوں میں ان کے سب سے بڑے ایجنٹ، کارندے، وہ مغضوب علیہم قوم، وہ ملعون قوم،
لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم. تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ ان کی دشمنی ہمیشہ رہی, تمام انبیاء سے رہی. حضرت مسیح علیہ السلام کو انہوں نے اپنے بس پڑھتے سولی پر چڑھایا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ جو معاملہ رہا, میں اس پر تاریخ اور سیرت بیان نہیں کر سکتا, صرف قرآن مجید کی گواہی دے رہا ہوں. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. تمام انسانوں میں مسلمانوں کے بدترین دشمن یہودی اور مشرک. یہ یہودی, میں چاہتا ہوں کہ تاریخ جو ہماری امت مسلمہ کی ہے اس کے حوالے سے ان کا جو بھی کردار رہا ہے اس پر ایک نظر ڈال لی. سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا یہودی نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو آپس میں ٹکرایا. الفتنۃ الکبرى, ایک لاکھ مسلمان ایک دوسرے کی تلواروں اور نیزوں سے ختم ہوئے. خلافت کی توسیع کا جو سیلاب چل رہا تھا, تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا, وہ آپس کی شبتلش سے, خانہ جنگی سے اس سیلاب کے آگے بڑھنے کی توسیع کا معاملہ ختم ہو. اس کے بعد تاریخ ایک عجیب حقیقت سامنے لاتی جس کی گواہی خود انہوں نے دی ہے. بن گوریان نے جو کتاب لکھی ہے اس میں تسلیم کیا, مسلمانوں کی مہربانی, ایک رؤوف اور رحیم رسول کی امتی ہونے کے ناطے ان میں شفقت اور رحمت. جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور سے کہا قرآن میں دو مرتبہ, اے نبی آپ کی رافت اور شفقت سے یہ کافر اور منافق فائدہ نہ اٹھانے پائیں. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, ان پر سختی کی. لیکن یہ کہ حضور کا اپنا ایک مزاج تھا, شفقت رحمت, رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے, اسی کا عکس تھا صحابہ کرام میں. سب سے پہلا سہارا جو انہیں ملا ہے, 550 برس کے بعد انہیں یروشلم میں داخلے کی اجازت حضرت عمر نے دی ہے رضی اللہ تعالی. ورنہ 70 عیسوی میں جب ٹائٹس نے یروشلم کو برباد کیا, ہیکل سلیمانی کو مسمار کیا, 133,000 یہودی ایک دن میں قتل کیے, اور اس وقت سے جو جلا وطن کیا ہے, تو یہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے 550 برس تک, تاکہ اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر یروشلم کو فتح کرایا, اور آپ نے پھر اس کو ڈکلیئر کیا اوپن سٹی. یہاں عیسائی بھی آئیں یہودی بھی آئیں, اگرچہ ایک حقیقت تاریخی لوگوں کے علم میں نہیں ہے, یروشلم میں جو اس وقت عیسائی تھے انہوں نے جب سرنڈر کیا انہوں نے ایک شرط پیش کی. یہ ان عیسائیوں کی طرف سے پیش کردہ شرط تھی کہ آپ چاہے یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دیں, بسنے کی اجازت نہیں دیں گے, وہ یہاں کوئی جائیداد نہیں خرید کر سکیں گے, وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے. چنانچہ اس وقت سے لے کر 1917 تک کوئی یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکا. البتہ اس عرصے میں جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں, انتشار کا دور, تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس انتشار کے دور میں جو سنہری زمانہ ہے وہ مسلم اسپین, ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت قائم تھی, پھر مسلمانوں کی شفقت سے, رحمت سے, ان کی نرمی سے فائدہ اٹھا کر, اور انہوں نے وہاں سے عیسائیت بحیثیت مذہب اور یورپی اقوام ان کے اندر نقب لگائی ہے, اور واقعہ یہ ہے کہ اپنے ان ازلی دشمنوں کو انہوں نے فتح کیا. اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے, مسلم اسپین سے انہوں نے آزاد خیالی, حریت فکر, اس کے عنوان سے جو کام شروع کیا تھا اسی کے نتیجے میں یورپ میں پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا. جب تک رومن کیتھولک مذہب کا وہاں غلبہ تھا,
वहां यहूदियों पे बहुत सख्त प्रोसिक्यूशन भी होती थी, इन्हें सूदी कारोबार करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रोटेस्टेंट्स के जरिए से सूदी कारोबार की इजाजत ली। नंबर दो, आजादी के नाम पर जिनसी बेराहरवी को फरोग दिया, सूद का जाल फैलाकर मालियाती तौर पर अपने शिकंजे में यूरोप को कस लिया। और तीसरी तरफ साइंटिफिक जो तरक्की हो रही थी उसका रुख मादा परस्ती की तरफ फेर कर जदीद दज्जाली तहजीब की बुनियाद डाली। इल्म तो बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन यह इल्म इंसान के लिए मुजर साबित हुआ। क्यों? इसलिए कि मादा परस्ती और इल्हाद, मजहब की दुश्मनी, जब यह किसी कौम के अंदर आ जाती है तो जाहिर है कि अब जितने वसाइल उसके पास आ जाएंगे वो मनफी मकासिद के लिए इस्तेमाल होंगे। उनके नतीजा इंसानों के हक में खैर नहीं, शर की सूरत में बराबर होगा, और वही दर हकीकत आज की यह दज्जाली तहजीब है। इसका जो सबसे ज्यादा तल्ख बाब है, जरा नोट कीजिए, माजी करीब तक रोमन कैथोलिक ईसाई यहूदियों को दुश्मन समझते थे और यहूदियों को हजरत मसीह को सूली पर चढ़ाने का मुजरिम समझते थे। अगर हमारा अकीदा है कि अल्लाह ने उन्हें बचाया, जिंदा आसमान पर उठाया, लेकिन यह कि ईसाई भी मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं कि हमने मसीह को सूली दे दी। ईसाइयों के अकीदे में उनका इंतकाल सूली पर हुआ, फिर दोबारा जिंदा होकर आसमान पर उठाए गए। यह तो हम जानते हैं कि हकीकत यह है, वमा कतलू हो वमा सलबू हो वलाकिन शुम्मे हलू, एक ऐसे ही उनके लिए शुमे की सूरत पैदा कर दी गई। वमा कतलू हो यकीना, हरगिज कतल नहीं किया, बल रफाउल्लाह इलैह, अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। बहरहाल इन्होंने अभी हाल ही में पोप से भी एक फतवा हासिल कर लिया है कि यहूदियों पर जुर्म नहीं है, इल्जाम नहीं है मसीह को सूली देने का। तारीख बदल गई, जो 1900 बरस तक एक तारीख चली आ रही थी, बेयक जुम्बिश कलम पोप साहब ने उन्हें उस जिम्मेदारी से बरी। और आपने देखा होगा हाल ही में इसहाक रेबिन, जब ये वाशिंगटन से वापस आ रहा था, जब कुछ वक्फा पड़ गया था, जो मुसालहत की गुफ्तगू हो रही थी पीएलओ के साथ, तो वाशिंगटन से वापस आते हुए पोप से मिलकर आया है। अब वेटिकन ने तस्लीम कर लिया है इसराइल को, और उसका अब सफारत खाना वेटिकन का यरूशलम में खुलने वाला है। मेरी इस पूरी गुफ्तगू का हासिल क्या है? इन्होंने 3-pronged अटैक के जरिए से यूरोप को और यूरोप के साथ अब अमेरिका, इन दोनों को अपने शिकंजे में कस लिया है, फतह कर चुके। ये वो बात थी जो अल्लामा इकबाल इस सदी के आगाज में देख आए थे, फरंग की रगे जहां पंजे यहूद में है। वो तो सिर्फ एक कौम थी, जर्मन कौम, जिसे कुछ अरसे के बाद एहसास हो गया कि यहूदी किस शय का नाम है। नतीजतन यहूदियों के कौल के मुताबिक 60 लाख यहूदियों को उसने कत्ल किया है। लेकिन इसके अलावा, जिसको आजकल वेस्ट कहा जाता है, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स, इनके ऊपर मुकम्मल तसल्लुत है यहूदियों का, वो यहूदियों के आलाकार बने हुए हैं, सूद के जरिए से मालियाती शिकंजे में जकड़ा हुआ है। फेडरल रिजर्व फंड जितना भी अमेरिका का है, ये सरकारी बैंक नहीं है, यहूदियों के निजी इदारे हैं। और दुनिया की सबसे बड़ी मकरूज हुकूमत जो है वो अमेरिका की है, यहूदी कर्ज खा है और अमेरिका की हुकूमत उनकी मकरूज है। इसीलिए कहा है निक्सन ने अपनी किताब में कि कोई प्रेसिडेंट नहीं है अमेरिका का जो यहूदियों की राय के खिलाफ चल सके। उसने ये बात कह दी और लिख दी, खुलकर लिख दी, अपनी किताब में लिख दी। बहरहाल इसके जिम्मन में जो उन्हें आखिरी कामयाबी हासिल हुई, ऐलान-ए-बालफोर
1917 यहूदी आबाद होने शुरू हो गए, और असल में इसी के लिए खिलाफत को मंसूख कराया गया। सुल्तान अब्दुल हमीद, अगरचे ये तुर्की खिलाफत जो है मर्दे बीमार कमजोर, फिर भी वो मुसलमानों वाला जज्बा इतना था, उन्हें बड़ी से बड़ी रिश्वत पेश की गई थी। जाहिर बात है यहूदियों से बढ़कर रिश्वत देने वाला कौन हो सकता, जिनके यहां ऐसे बैंकर हो जो 40-40 बिलियन डॉलर का एक चेक लिख सके। फिर यह कि उन पर सियासी दबाव बहुत डाला गया, उन्होंने जब तक खिलाफत उस्मानिया बरकरार रही यहूदियों को फिलिस्तीन में आबाद होने की इजाजत नहीं दी, कि जो वाहिदा किया था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु, खलीफा सानी ने, खलीफा राशिद ने, हम उसके पाबंद हैं और हम यहां यहूदियों को आबाद होने की इजाजत नहीं दे। लिहाजा उन्होंने उस खिलाफत ही का बिस्तर तय कराया, इसलिए कि न रहे बांस न बजे बांसुरी, न मुसलमानों की वहदत मिल्ली की कोई अलामत दुनिया में बाकी रहे और न मुसलमान किसी मसले पर जमा होकर कोई मौकफ इख्तियार कर सके। ऐलान बालफोर के नतीजे में आबादकारी शुरू हुई, 1948 में इसराइल कायम हो गया, मौजजा हो गया, 1967 में उसकी तौसी हो गई। इसमें एक बात और भी अर्ज कर दूं, ये सारा किस तौर से हुआ है काम? आपने ज़ायनिज्म का नाम तो सुना है, सहूनी तहरीक, खुद इसका जो बाबा आदम था, ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, 1776 यकुम मई ये निजाम कायम किया वाइसॉप ने, और इस निजाम के तहत फ्री मेसनरी और लॉजिस ऑफ द ग्रेट ओरिएंट कायम किए गए। ये सारा हथकंडा वो इबलीसी निजाम, इसकी तफसील एक कैनेडियन ऑथर ने लिखी है किताब में पॉन जिंदगी गेम, ये सारा धंधा एक शैतानी चक्कर है, इबलीसी चाल है, और उसके जरिए से इसराइल कायम हुआ और उसकी तौसी भी हुई 1967 में। अब यहां तक पहुंचने के बाद इनके पेश नजर बकिया दुनिया की तस्खीर और उसे फतह करने का मामला है, और सबसे बढ़कर इस्लाम की बेखनी और उसका रास्ता रोकना ये उनके पेश नजर है। युरीदून अल युत्फिउ नूर अल्लाह बिअफवाहिही। सूरत इस वक्त क्या है? यूरोप और अमेरिका से आप मशरिक की तरफ आइए, पहले आलम अरब है, अरब मुस्लिम वर्ल्ड। मुझे यह कहते हुए सख्त दुख हो रहा है, पूरा आलम अरब वो फतह कर चुके, वो अरब ममालिक के जो इसराइल के साथ किसी मेज पर बैठकर गुफ्तगू करने को तैयार नहीं थे, आप देख रहे हैं कि लाइन लग गई। कभी सिर्फ अनवर सादात ने रिकॉग्नाइज किया था, पूरी दुनिया में शोर मचा था, उस पर लानत मलामत हुई थी, अब तो एक एक करके, वो शाह हसन हो चाहे शाह हुसैन हो, अब तो वहां से वीजे खत्म हो रहे हैं। सऊदी अरब और इमारात, उन्होंने जो कुछ कारोबारी बंदिशें लगाई हुई थी वो खत्म कर दी गई, उनमें नरमी पैदा कर दी गई। ये सूरत हाल है कि वाकईतन इनकी जो आलमी तस्खीर का प्रोग्राम है वो आगे बढ़ रहा है, और बदकिस्मती से उम्मत मुस्लिमा का जो कल्ब है, इस उम्मत का कल्ब उम्मीयीन पर मुश्तमिल है। हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीयीन रसूलन मिन्हुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम इला आखिरिल आया। हुजूर भी उम्मी थे, इन्हीं में से थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन आज वो कल्ब जो है आलम इस्लाम का वो यहूदियों के शिकंजे में कसा जा चुका है। अक्सर वहां के जो हुक्मरान हैं अमेरिका के एजेंट हैं, स्टूडीज। ये हालात जहां तक आलम अरब का ताल्लुक है तल्ख हकाइक है जो बयान कर रहा हूं, इसलिए कि आपके सामने रहना चाहिए। ये जो इकबाल ने कहा कि दुनिया को है फिर मार गए रूह बदन पेश, इबलीस ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये दोबारा एक बहुत बड़े पैमाने पर हक़ो बातिल का घमसान का रंग पड़ने वाला है।
ملاحم کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئیاں فرمائی، الملحمت العظمہ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ جو ابھی آنے والی ہے، اس کو سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ اس میں جو قوتیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں وہ کون سی ہیں۔ نیو ورلڈ آرڈر کہنے کو امریکہ کے زیر قیادت ہے، حقیقت میں امریکہ خود یہودیوں کے پنجے میں، یہ وہی ابلیسی طاقت ہے جو آگے بڑھ رہی ہے۔ عالم عرب کو فتح کرنے کے بعد اب ان کے پاس اگلا عالم اسلام کا حصہ ہے، غیر عرب مسلم ورلڈ، ایران ہے، اس کے شمال مشرق میں ترکستان ہے روسی اور چینی، مشرق میں افغانستان ہے، پاکستان ہے، یہ ایک بہت بڑا سالڈ بلاک ہے۔ اس کے بعد اگرچہ ہندوستان آتا ہے بھارت، ظاہر بات ہے کہ وہاں مسلمان اقلیت میں ہیں سوائے کشمیر کے، لیکن یہ نوٹ کیجئے کہ وہاں بھی کم سے کم 15-18 کروڑ مسلمان موجود ہیں۔ آج بھی دنیا کا سب سے بڑا ملک جس میں مسلمانوں کی تعداد اور جن کی نفری سب سے بڑھ کر ہے وہ بھارت ہے۔ اس کے بعد پھر انڈونیشیا، ملائیشیا ہے، اس سے آگے ہے پھر فار ایسٹ، ابھی انہیں فتح کرنا ہے۔ نیو ورلڈ آرڈر کا یوں سمجھئے کہ ابھی یہ ہارڈ نٹ ٹو کریک، ابھی ایک لوہے کا چنا ہے چائنا کی شکل میں موجود۔ اور مجھے یاد آ رہا ہے ڈیگال کے الفاظ، بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، اس نے کہا تھا کہ ہم نے خامخواہ روس کو اپنا دشمن بنا لیا ہے، وہ تو ہمارا بھائی ہے، وائٹ ریسس، وہ تو بنیادی طور پر یورپین قوم ہے، بیویئر آف دی یلو ماسز آف دی ایسٹ، تمہیں گھبرانا چاہیے، تمہیں خبر لینی چاہیے، وہ مشرق بعید کے جو زرد رو لوگ ہیں، چائنا، انڈو چائنا، جاپان، یلو ریسس۔ ابھی اس نیو ورلڈ آرڈر کے لیے جو فتح عالم اور تسخیر عالم کا پروگرام ہے، اس میں پہلے غیر عرب مسلمان دنیا اور پھر یہ فار ایسٹ کا خاص طور پر یلو ماسز، یہ ہے کہ جنہیں ابھی انہیں ٹیکل کرنا ہے۔ اور اسی لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں، حقائق ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ یہ 45 برس کے بعد امریکہ کو کیسے خیال آ گیا کہ کشمیر کا مسئلہ واقعی ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں، یہ کہاں سے رابن رافیل آئیں پچھلے سال اور مسئلے کو زندہ کر کے چل دی، ہم خوش ہوئے امریکہ نے مان لیا، حقیقت میں امریکہ کی نظر ہے اور وہ اس کو چاہتے ہیں کہ ایک دوسرا اسرائیل بنائیں، آزاد بنا کر اس کو اپنے تسلط میں لیں۔ اس لیے کہ اگر جو پروگرام ہے، اگر وہاں پر فرض کیجئے بہت مطالبہ ہمارا مان لیا جائے، پلیبسائٹ کرایا جائے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ کو آزاد کشمیر سے بھی اپنی فوجیں نکالنی پڑیں گی، آپ کو گلگت اور بلتستان سے بھی فوجیں نکالنی پڑیں گی، بھارت بھی ادھر سے فوجیں نکالے گا، اور رہ جائے گا کون؟ یہ ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا، رہ کون جائے گا؟ پھر تو وہی راج کرے گا جو یو این او پر قابض ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس کے پاس دولت کے انبار اور جو بھی ان کی چالاکیاں اور ہوشیاریاں ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ اسے ایک نئے اسرائیل کی شکل دے دے۔ بہرحال ایک طرف تو بدی کی یہ قوتیں ہیں، اس کے مقابلے میں خیر کی قوت کون سی ہے؟ خیر کی توقع کہاں سے؟ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، اب میں آپ کے سامنے وہ نوید خلافت جو میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے، اگرچہ کنٹراسٹ بہت بڑا ہے، حالات اتنے خراب، خیر کی کوئی امید نہیں، کہیں سے کوئی اچھی خبر نہیں آتی، لیکن یہ کہ وہ نوید خلافت، سب سے پہلے تو انہی دونوں آیات کے حوالے سے، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ لازماً اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، شر کی قوت اپنی چالیں چل رہی ہے، اللہ کی اپنی تدبیریں ہیں، جو آخری نتیجہ نکلنے والا ہے وہ کیا ہے؟
هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. دیکھیے جب میں آیت آپ کو سنائی, مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کون؟ یہودی اور مشرک. پہلی آیت میں یہودیوں کا تذکرہ ہوا, انہیں مشرک نہیں کہا, کافر کہا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اگلی آیت میں اب آیا, اللہ نے تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے ہے, اس قطعی فیصلے کے ساتھ بھیجا ہے, الہدا کتاب ہدایت, ہدایت کاملہ قرآن مجید دے کر, دین حق نظام عدل, عدل و قسط نظام, عدل اجتماعی, سچا دین سچا نظام دے کر بھیجا تاکہ غالب کریں اسے کل کے کل دین پر, پورے نظام زندگی پر. ولو کرہ المشرکون, چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو. یہ بات تو ہو کر رہے گی, اور اس کو نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ حضور کی بعثت ہوئی پوری نوع انسانی کے لیے, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا, جب تک پوری نوع انسانی پر اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے. اس آیت مبارکہ میں اللہ کا جس فیصلہ کا اعلان کیا گیا ہے, گویا کہ ابھی وہ پورا نہیں ہوا, ہونا ہے. اسی لیے کہا تھا اقبال نے, وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے, نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. کل روئے عرضی پر, کل عالم انسانیت پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے. اس کی پھر نوید جو اور سورہ نور میں آئی ہے, اگر آپ کے پاس یہ ہے موجود چار ورقہ, نکال لیجئے, متن کو دیکھیے. خلافت کا وعدہ, حدیث مبارک ہے حضرت نعمان ابن بشیر, یہ آیت جو ہے یہ سورہ نور کی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات, مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے. دعا کیجئے, اللہم ربنا اجعلنا منہم, اللہ ہمیں اس کی توفیق دے, اللہم وفقنا لہذا, اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. لیکن اگر تم یہ کر دو گے تو اللہ کے تین وعدے ہیں, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ, انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا لازماً جیسے کہ ان سے پہلوں کو عطا کی تھی. یاد کر لیجئے وہ آیت سورہ صاد کی, یا داود اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِي الْأَرْضِ, جیسے حضرت داود حضرت سلیمان کو خلافت اور حکومت عطا کی, ایسے ہی ہے مسلمانوں تمہیں عطا کرے. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ, اور ان کا وہ دین اسلام جو اللہ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہے, اسے تمکن غلبہ عطا کرے گا. وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, اور وہ بدل دے گا خوف کی حالت کو امن کی حالت سے. یہ تین وعدے اصل میں ایک ہی ہیں, مسلمانوں کو خلافت عطا ہو جائے, ظاہر بات ہے دین کا غلبہ ہوگا. دین کا غلبہ ہو گیا, مسلمانوں کی حکومت ہو گئی, مسلمانوں کے لیے کوئی اندیشہ نہیں, خوف نہیں. اب نوٹ کیجئے, تاریخی اعتبار سے جو اب وہ خیر کی بات چلنی شروع ہوئی, یہ آیت نازل ہوئی ہے سن 5 کے اواخر میں یا سن 6 کے شروع میں. چونکہ صحابہ کرام دونوں شرطیں پوری کر چکے غزوہ احزاب میں, اپنے صبر اور مصابرت, اپنی استقامت, اپنی قربانی, اس کا پورا پورا ثبوت دے چکے. جبکہ وہ رجیہ یہ شعر پڑھ رہے تھے, نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کی بیعت کی ہے, اب یہ جاری رہے گا جب تک جان میں جان. لہذا شرطیں چونکہ پوری ہو چکی, لہذا اللہ کی طرف سے اس کی جزا, اس کا بدلہ, وعدہ شروع ہو گیا پورا ہونا. سن 6 میں صلح حدیبیہ ہو گئی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا, سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا, 8 میں مکہ فتح ہو گیا, 9 میں پورے عرب کی صفائی کر دی گئی, موپنگ اپ آپریشن. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ,
گویا کہ پورے جزیرہ نمای عرب پر وہ نظام قائم ہو گیا، اللہ کی حکومت اور اس کے نیک بندوں کی خلافت۔ اس کے بعد کل 24 برس میں یہ نظام کہاں سے کہاں پہنچا، ترکستان کے علاقے سے لے کر اور شمالی افریقہ کا اکثر و بیشتر علاقہ شامل۔ یہاں اب اللہ کا نور جگمگا رہا ہے، توحید کا ڈنکا بج رہا ہے۔ البتہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، پھر وہ یہودی سازش، آپس کا اختلاف، خانہ جنگی، قدم رک گئے۔ نہ صرف یہ کہ قدم رک گئے، حادثہ اس سے بھی بڑا ہوا، زوال شروع ہو گیا۔ یہ جو اس کے بعد سے آج تک ہماری تاریخ ہے 1400 برس کی، اس کے لیے ایک حدیث ہے جو اس کتاب کے چوتھے صفحے پر درج ہے، یہ اگر آپ کو نہیں بھی ملا ہے تو جاتے ہوئے لے کے جائیے گا، یہ ہمارا ہدیہ ہے۔ اس لیے کہ جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دو چار ہیں، ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سنبھلنے دے مجھے اے نا امیدی، کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے، امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے، کیسے خلافت آ جائے گی۔ جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے، جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے، حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو، کوئی متنفس نہیں، کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں، ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی، اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے، میں صرف حوالہ دے رہا ہوں۔ آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے، دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا، یہاں تو طاقت وہ ہے، اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں گھپا ہوا ہے، اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر، اور دونوں خنجر کا نشان ہے۔ کبھی نقشہ دیکھا ہو، اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا، جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی، اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل، عالم عرب کے سینے میں پیوست۔ یہی بھارت کا حال ہے، آپ نقشہ دیکھیے، کشمیر خنجر کے دستے کے مانند ہے، اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے، اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا، اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے۔ اس پورے کو ذہن میں رکھیے، تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست۔ حالات اتنے مایوس کن، ہماری کوئی حیثیت نہیں، ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں، ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں، ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشنز وہاں سے آتی ہیں، ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں، پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سنانا چاہتا ہوں، تاکہ وہ یقین پیدا ہو۔ ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی تاریخ، اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے۔ حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث، مسند احمد ابن حنبل، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون، مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی، موجود رہے گی، یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا۔ ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها، پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا۔ دوسرے دور کی خبر دی، ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت کا عین نبوت کے نقش قدم پر، کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے جو کا تو قائم رہے گا، میرے نقش قدم پر وہ خلافت ہوگی۔ فرمایا وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پھر فرمایا تیسرا دور آئے گا، ثم تکون ملکا عظما ظالم ملوکیت،
बादशाही, महल बनेंगे, ठाट जमेंगे, जुल्म का सिक्का रवा होगा, नाजायज कत्ल होंगे, हज्जाज इब्ने यूसुफ के हाथों सैकड़ों ताबई, मोहम्मद इब्ने कासिम बुलाकर शहीद कर दिए गए, वरना उसी वक्त पूरा ये जजीरा नुमाए हिंद जो है, इंडियन पेनिनसुला, उस वक्त पूरा का पूरा मुसलमान हो जाता। लेकिन मुलूकियत को कभी यह बर्दाश्त नहीं होता कि कोई शख्स पब्लिक के अंदर मकबूल होना शुरू हो जाए, पॉपुलर होना शुरू हो जाए, उनके इख्तदार के लिए खतरा हो सकता था। इसी दौरे मुलूकियत में वाकया करबला हुआ, हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह तआला अन्हुमा शहीद हुए, इसी जालिमाना हुकूमत के दौर में वाकया हर्रा हुआ, मदीने की बेहुर्मती हुई 3 दिन तक, इसी के दौर में हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा शहीद हुए। मैं अब क्या क्या गिनवाऊं, हुजूर ने जब फरमाया सुम्मा तकून मुल्कन आज़म, काट खाने वाली मुलूकियत, ये उसी की शरह है। फरमाया ये दौर भी रहेगा जब तक अल्लाह चाहेगा, फिर जब अल्लाह चाहेगा इसे भी उठा देगा, फिर चौथा दौर आएगा, सुम्मा तकून मुल्कन जबरियन, फिर बादशाही होगी गुलामी के साथ। मैं नहीं कह सकता उस वक्त सहाबा ने इसका मतलब क्या समझा होगा, अब चूंकि ये दौर हमारे सामने से गुजर चुका है, बल्कि एक एतबार से हम उसी दौर में सांस ले रहे हैं, लिहाजा बात समझ में आ रही है कि वो मुलूकियत चाहे जालिम थी, बादशाह मुसलमान तो थे, कलमा गो तो थे, उनमें बहुत अच्छे अच्छे भी हुए हैं, तारीख इंसानी में मुसलमानों के जैसे उमदा मिसालें हैं, उमदा बादशाहों की शायद तारीख के अंदर कोई और मिसालें पेश न की जा सके। लेकिन यह कि इसके बाद जो दौर आया, कहीं हम ताजे बरतानिया के गुलाम बन गए, मलकाए बरतानिया, शाहे बरतानिया, हिज मजिस्ट्रीज गवर्नमेंट, हर मजिस्ट्रीज गवर्नमेंट, कहीं फ्रांस के, कहीं इटली के, कहीं हॉलैंड के, कहीं और किसी के, फ्रांस के, इस तरह से पूरा आलम इस्लाम जो है कॉलोनियल दौर के अंदर गुलामी के दौर में चला गया। यह चौथा दौर था, लेकिन यहां थोड़ा सा तवक्कुफ कर लीजिए, यह चौथा दौर एक दर्जे में खत्म हो गया है, कहते हैं दुनिया वाले कॉलोनियल दौर खत्म हो गया, हकीकत में खत्म नहीं हुआ, बराह रास्त हुक्मरानी खत्म हुई है, इनडायरेक्ट रूल जारी है, रिमोट कंट्रोल के जरिए से वही हुकूमत कर रहे हैं, बटन वहीं से दबते हैं, हम जाकर झोलियां उन्हीं के सामने पसारते हैं, उन्हीं से कभी सरमायाकारी की भीख मांगते हैं, कभी कर्जों की भीख मांगते हैं, उनके चश्मे अबरू के इशारों के मुंतजिर रहते हैं, हमारी जंग और सुलह उनके ताबे है, हमारे तमाम वसाइल उनके तसल्लुत में है। वो दौर अभी खत्म नहीं हुआ, फर्क सिर्फ ये है पहले बराह रास्त हाकिम थे, आज बिलवास्ता हाकिम है। लेकिन हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दौर भी खत्म हो कर रहेगा। यूं समझिए जैसे कराची में लांडी कोरंगी में कई नंबर आते हैं बसों में, कराची नंबर, लांडी नंबर 1, लांडी नंबर 2, लांडी नंबर 3, फिर कहीं 3.5 भी होता है। आज हम बीच में खड़े हैं इस चौथे दौर के, कि हुजूर के कौल के मुताबिक मुल्कन जबरियन या दौर अभी जारी है, निस्फ खत्म हो गया है, निस्फ अभी बाकी। लेकिन एक बात तो बड़ी तलख है, अभी बकिया निस्फ में बड़ी कयामतें गुजरने वाली है, इसी बकिया निस्फ में वो मारका पेश आने वाला है, इसी में वो मलाहिम होंगे, इसी में वो अलमलहमतुल उज़्मा होगी, इसी में दज्जाल अकबर का ज़हूर होगा, इसमें हमारे ऊपर तकालीफ और मसाइब अभी और उसके साए गहरे होंगे, और कुछ रोज सजाओं से लहू बरसेगा, और गमनाक ये तारीख अंधेरे होंगे। लेकिन उसके बाद फरमाने नबूवत पूरी शान के साथ जाहिर होगा, सुम्मा तकूनु खिलाफतन अला मिन्हाजिन नबुव्वा, फिर दौर आएगा खिलाफत अला मिन्हाजिन नबुव्वा का, दोबारा वही दौर, बैन ही वो निजाम
जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कायम फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में दोबारा कायम होकर रहे। मेरे कई दोस्तों ने कहा होकर रहेगा, मैं यकीन के साथ कहता हूं होकर रहेगा। सिर्फ ये कि हम ये नहीं कह सकते अभी उसमें कितनी देर है। जैसे कुरान मजीद में कई जगह हुजूर से कहलवाया गया, नबी कह दीजिए इन अदरी अकरीब अम बईद मा तुअदून, लोगों जो वादा तुमसे किया जा रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता वो जल्दी पूरा होगा या देर में, होगा जरूर पूरा। इन अल्लाह ला युखलिफुल मीआद, अल्लाह ताला अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई नबीद, दोबारा खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का निजाम कायम होगा। और इसमें अब जरा नूरुन अला नूर, दो हदीसें इसी किताबचे में शामिल हैं, फिर अर्ज कर रहा हूं यह आपको मिल जाएगा अगर नहीं है इस वक्त, और मैं चाहता हूं आप इनके मतन याद करें, इन हदीसों के मुबल्लिग बन जाएं, इन आयात को हिर्ज़े जान बनाएं ताकि मायूसी का मदावा हो सके, हिम्मतें जो पस्त हो रही हैं उनमें दोबारा अज़्म जमा पैदा हो सके। इसलिए हमने बड़ी तादाद में इसे शाये किया है, सौ सौ के पैकेट्स के अंदर आपको ये मिल सकेगा अगर आप लेना चाहें, आम करें फैलाएं। पहली हदीस है मुस्लिम शरीफ की सहीहैन में से एक, सनद के एतबार से बुलंद तरीन दर्जा, हजरत सौबान इसके रावी है रजी अल्लाह ताला अन्हु, बड़े प्यारे अल्फाज हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, फरमाते हैं इन अल्लाह ज़वाली अल्अर्ज़, अल्लाह ने मेरे लिए पूरी जमीन को सुकेर दिया लपेट दिया, फराए तो मशारे कहा व मगारे बहा, मैंने उसके सारे मशरिक देख लिए सारे मगरिब देख लिए, व इन उम्मती सयब लोगो मुल्को हा माजुबे अली मिन्हा, और यकीन रखो मेरी उम्मत की हुकूमत उन तमाम इलाकों पर कायम होकर रहेगी जो मुझे इस तरह जमीन को सुकेर कर और लपेट कर दिखा दिए गए। अब जिस शख्स को भी मोहम्मद की रिसालत पर ईमान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसे कोई शक नहीं हो सकता। दूसरी रिवायत हजरत मिकदाद से, ये मुस्तद अहमद इब्ने हंबल की रिवायत, हजरत मिकदाद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं हुजूर ने इरशाद फरमाया ला यब्का अला ज़हरिल अर्ज़ बैतु मदरिन वला वबरिन इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम, इस रूए अर्जी पर कोई घर नहीं बचेगा, न ईंटगारे का बना हुआ न कम्बलों का बना हुआ खेमा रहेगा जिसमें अल्लाह ताला कलमा इस्लाम को दाखिल न कर दे। कुल रूए अर्जी पर हर घर में इस्लाम दाखिल होगा। लेकिन इसमें बड़ी अहम बात है, हमारे बास दानिश्वर आज जो गुमराहियां फैला रहे हैं उसका तोड़ इस हदीस में है और हमें सदमा है। अल्लामा इकबाल का फर्जंद और वो इस मुगालतों को आम कर रहा है, और भी छुट भैया दानिश्वर थे उनकी बात की कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन अब वही बात कही है डॉक्टर जावेद इकबाल ने, इस हदीस में उसका तोड़ है। इस्लाम का गलबा होगा तो कैसे होगा, बेइज्ज अजीज व जुल्ल जलील, या तो किसी इज्जत वाले के एजाज के साथ होगा और या किसी कमजोर की मगलूबियत की बुनियाद पर होगा। इम्मा युइज्जुहुमुल्लाह, या तो अल्लाह घर वालों को खेमे वालों को एजाज अता फरमाएगा, फयकूनून मिन अहलिहा, वो इस्लाम ही के कलमे को कबूल कर लेंगे, व इम्मा युज़िल्लुहुम, या अल्लाह उन्हें मगलूब कर देगा, फयदीनून लहा, और उनके लिए लाजिम होगा कि वो इस्लाम की ताबेदारी इख्तियार करें। यही दो रास्ते हैं, यही सूरह तौबा में बताया गया था, इन यहूदियों से इन नसारा से मुसलमानों जंग जारी रखो, हत्ता योतुल जिज़िया यदिन वहुम साज़िरून, यहां तक कि अपने हाथ से जिज़िया पेश करें छोटे बने इस्लाम की बालादस्ती को कबूल करें। मीसाक़े मदीना यह तो असल में जिद्दोजहद के दौरान का एक मरहला है, दौरान में तो कभी सूरत हाल बदलती है, तदबीरें होती है, सुलह भी होती है जंग भी होती है,
آخری فیصلہ قرآن کا کیا ہے؟ مسلمان اور غیر مسلم مل کر ایک امت نہیں بن سکتے، ایک ملت نہیں بن سکتے۔ اسی بنیاد پر پاکستان بنایا، دو قومی نظریے کا سب سے بڑا پرچارک علامہ اقبال، وطنی قومیت کی نفی کرنے والا شدید ترین الفاظ میں علامہ اقبال، اور اس کے فرزند جو ہے وہ ایک قوم ہونے کا تصور دے رہے ہیں مسلمانوں اور غیر مسلموں کو۔ یہاں تو ایک ہی راستہ ہے۔ صحابہ کرام کی فوجیں جب نکلی، جہاں گئیں، تین آلٹرنیٹیوز، ایمان لے آؤ ہمارے برابر کے ہو گئے، بھائی ہو گئے، جان مال عزت آبرو املاک جائیداد ہر چیز جیسی ہے ویسی رہے گی، ہمارے کندھے سے کندھا لگا کر کھڑے ہو گئے، یہ نہیں تو چھوٹے بنو، اسلام کی بالادستی قبول کرو، جزیہ دینا منظور کرو، اور یہ بھی نہیں تو صرف ایک تھرڈ آپشن ہے، آؤ میدان میں، تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہ ہے تاریخ۔ آخری بات جو کہی گئی سورۃ توبہ میں وہ تو یہ ہے، میثاق مدینہ تو ایک درمیان کی ایک تدبیر ہے، معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات تو مشرکین عرب سے ہوئے جس کی کامل تنسیخ کی، برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، سارے معاہدات آج ختم کیے جا رہے ہیں، اعلان عام کیا جا رہا ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول، علامہ اقبال تو یہ کہہ رہے ہیں۔ بہرحال ذہن میں رکھیے، حضرت مقداد کی اس حدیث نے بہت بڑا عقدہ حل کیا ہے، اسی لیے جب حضور سے یہ الفاظ سنے حضرت مقداد نے تو کہتے فقل، تو میں نے اپنے دل میں یہ کہا، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، یہ جو سورہ انفال میں الفاظ آئے ہیں، دین پورا کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے گا، یہ تبھی ہوگا جبکہ کل روئے عرضی پر کوئی گھر نہ بچے، کوئی خیمہ نہ رہے، جو یا تو اس کے گھر والے اور خیمے والے اسلام لے آئیں، یا اسلام کی تابے داری قبول کر دیں، تب کے لیے تیار ہوں، تب ہوگا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا جواب شکوہ میں، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی۔ لیکن یہ جو حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہے، علامہ اقبال نے در حقیقت انہی کا نقشہ کھینچا ہے۔ آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی، شب گریزہ ہوگی آخر جلوے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ میں نے اس پر جو عنوان قائم کیا ہے، کل جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے، یہ پورا کا پورا عالم کرہ ارضی جگمگا اٹھے گا، اشرقت الارض بنور ربها، وہ نور رب کا جب اطمینان ہوگا پوری یہ زمین اس سے چمک اٹھے گی۔ یہ ہیں وہ پیشین گوئیاں۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ موٹی سی بات یہ ہے، پہلے خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوا، کل روئے عرضی پر ایک دم نہیں ہو گیا، ایک ملک جزیرہ نما عرب، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان کی جد و جہد، ایثار، قربانی، اس کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب، وہاں یہ نظام قائم ہو گیا، پھر پھیلا، پھر توسیع ہوئی، تین لشکر نکلے تھے، مشرق، مغرب، شمال، شمال میں اوشیائے کوچک ترکی کا علاقہ، مشرق میں خراسان تک، مشرق میں یہ ماوراء النہر تک، مغرب میں بحر اوقیانوس تک، دشت و دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، اب بھی یہی ہوگا، کسی ایک جگہ سے ہوگا۔ یہ میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہاں سے ہوگا۔ پہلے اس کے جو شواہد ہیں وہ سمجھ لیجئے، پھر حدیثیں میں سامنے لاؤں گا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مغرب سے یہ سیلاب نیو ورلڈ آرڈر کا چلا،
جو کہ در حقیقت یہودیوں کا مالیاتی نظام ہے, اس مالیاتی شکنجے میں انہوں نے یورپ امریکہ کو جکڑا ہوا ہے. اس کے بعد ان کی فتوحات کا دائرہ عالم عرب ان کے شکنجے میں آ چکا. ابھی آپ نے خبریں پڑھی ہوں گی, اب تو ہزاروں فنڈامنٹلی سعودی عرب میں گرفتار ہو رہے ہیں, علماء گرفتار ہو رہے ہیں. یہ ساری حکومتیں جو امریکہ کے ایجنٹوں پر مشتمل ہیں, در حقیقت یہی سب سے پہلے اپنے ہاں کے جو مسلمان ہیں جنہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں, سب سے پہلے تشدد ان کی طرف سے ہوگا. بہرحال اب اس سے آگے ہے عالم اسلام کا وہ حصہ جس میں میں اور آپ بھی ہیں, یہ غیر عرب عالم اسلام, ایران سے شروع ہو کر پھر افغانستان جو حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا, یہ پورا افغانستان, کچھ تھوڑا سا حصہ ایران کا, کچھ تھوڑا سا حصہ روسی ترکستان کا, کچھ حصہ پاکستان کا, یہ سب حضور کے زمانے میں خراسان کہلاتا تھا. اس کے ضمن میں جان لیجئے اب یہ نیوکلیس بننے والا ہے, یہاں سے خلافت کا آغاز ہو کر رہے گا. اس کے شواہد کیا ہیں؟ پہلی بات نوٹ کیجئے, ختم نبوت کے بعد سارا سلسلہ مجددین کا ہے رحمہم اللہ, 1000 برس تک سارے مجدد عالم عرب میں پیدا ہوئے. 11ویں صدی سے یہ سلم خانہ ہند مجددین کی آماجگاہ, مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ, 11ویں صدی ہجری, یا الف ثانی اسی کے دوسرا 1000 سال وہیں سے شروع ہوا. کہاں کے رہنے والے تھے؟ 12ویں صدی کے مجدد اعظم شاہ ولی اللہ دہلوی, 13ویں صدی میں سید احمد بریلوی اور ان کے ساتھی شہید شاہ اسماعیل شہید, 14ویں صدی میں شیخ الہند اسیر مالٹا انگریز سے ٹکرا جانے والا, یہ مضمون ہم نے چھاپا تھا, اگرچہ چھپا تھا وہ پاکستان روزنامہ پاکستان میں, ہم نے بھی اسے چھاپا, اب دوبارہ جو کتاب کا شائع کیا ہے انگلینڈ میں, انگلستان میں خلافت کی اذان کے عنوان سے اسپیشل ایک جو ہے ندائے خلافت کا ایشو آیا ہے, اس میں دوبارہ ریپیٹ کیا ہے. اسے آپ کو اندازہ ہوگا شیخ الہند کی شخصیت کا, جرمنی تک سے ان کی گفتگو چل رہی تھی, دارالخلافہ ترکی سے گفتگو چل رہی تھی, ہندوستان کو آزاد کرا کر دوبارہ اس کو ایک دارالاسلام کی شکل دینا. اس لیے کہ اس وقت تک آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہندو ابھی سویا ہوا تھا, وہ غلامی کا جو بھی اس کے اوپر اثر پڑا تھا مسلمانوں کی 1000 سالہ غلامی کا, اس کی وجہ سے اس میں کوئی حوصلہ تھا ہی نہیں, سیاست کے میدان میں ہندو ابھی آیا ہی نہیں تھا. اس وقت اگر کہیں وہ تجویز کامیاب ہو جاتی, وہ برلن پلان, وہ ریشمی رومال تحریک, تو واقعہ یہ ہے کہ 30 برس اور یہ بر عظیم پاک و ہند انگریز کا غلام نہ رہتا. وہ تحریک بھی چلی تو یہی, پھر یہ کہ اگر خلافت کو ختم کیا گیا تو احتجاجی تحریک چلی تو یہاں, اور کس صد و مد کے ساتھ, مولی اما محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں دے دو, پورا بر عظیم پاک و ہند گونج اٹھا. گاندھی کو شریک ہونا پڑا تحریک خلافت میں, کہاں گاندھی کہاں خلافت. پھر اور شواہد نوٹ کیجئے, وہ جو کلونیل رول بظاہر ختم ہوا ہے, تمام مسلمان ممالک بظاہر آزاد ہوئے, لیکن کہیں بھی تحریک میں اسلام کا نعرہ نہیں لگا, صرف ایک جگہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اور اس سے پھر گونج گیا پورا بر عظیم پاک و ہند, راج کماری سے لے کے درہ خیبر تک, اور ادھر مکران سے لے کر چٹاگانگ تک, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, پوری دنیا میں اس کا کوئی نعرہ نہیں لگا. پھر پاکستان ہے وہ ملک جہاں قرارداد مقاصد پاس ہو گئی, خلافت اصولی اعتبار سے ہم نے تسلیم کر لی, جب حاکمیت اللہ کی ہے, ہمارے پاس حاکمیت نہیں, ہم حاکمیت کے مدعی نہیں. 10 کروڑ عوام کی ایک نمائندہ اسمبلی نے قرارداد مقاصد پاس کی, یہی تو خلافت ہے. ہمارے پاس جو اختیار ہے اللہ کا ڈیلیگیٹڈ ہے, اور یہ انہی حدود میں استعمال ہوگا جو خود جو اصل حاکم ہے اللہ, جو اس نے متعین کر دی. پھر یہی وہ ملک ہے, واحد ملک پوری دنیا میں جس میں فیڈرل شریعت کورٹ نے
बैंक इंटरेस्ट को रिबा हराम करार दिया है। पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर इसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं। ये शवाहिद है। अल्लामा इकबाल जैसा मुफस्सिर मुफक्किर यहां पैदा हुआ, मौलाना मौदूदी जैसा मुसन्निफ यहां पैदा हुआ, मौलाना इलियास जैसा मुबल्लिग यहां पैदा हुआ, शेखुल हिंद जैसा मुजद्दिद यहां पैदा हुआ। पूरे आलम इस्लाम में उसकी कोई मिसाल मौजूद नहीं। और मैं तो एक और बात की तरफ कहता हूं, अल्लाह के मामलात बड़े अजीब हैं। ये जो जंगें होने वाली है, ये जो खैर और शर का मारका दुनिया को है, फिर मारका है रूह बदन पेश, तहजीब ने फिर अपने दरिंदों को उभारा, अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा, इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। ये जो अभी मारका गर्म होने वाला है, पहला हिस्सा मैं आपको बता चुका, शैतान उसका एजेंट यहूदी, उनके सबसे बड़े कारिंदे ज़ायनिस्ट, उनके जो इस वक्त आलाकार है वेस्ट, व्हाइट एंग्लो सैक्सन प्रोटेस्टेंट्स जो अमेरिका की जेर सर करदगी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेकर चले हैं, जो हकीकत में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। दूसरी तरफ देखिए, जरा गौर कीजिए, एक हदीस नबवी है, मा अंज़लल्लाहु मिन दाइन इल्ला अंज़ल लहू दवान, अल्लाह ने कोई ऐसा मरज पैदा नहीं किया जिसकी दवा पैदा न की हो। इसराइल 1948 में कायम हो रहा है, पाकिस्तान 1947 में वजूद में आया है। एक साल पहले, जैसे मां की छाती में अल्लाह दूध पहले पैदा कर देता है, बच्चे की विलादत बाद में होती है, ये कानून कुदरत है। इसी तरीके से तोड़ उसका, दर हकीकत इसराइल का तोड़ है जो पाकिस्तान की शक्ल में वजूद में आया। ये दूसरी बात है कि हम भटक गए, मंजिल का सुराग भूल गए, हम आकर दौलत के फंदों में, और सबसे बढ़कर ये कि जो मतलूका जायदाद के लालच हम इसमें पड़ गए, भूल गए ये पाकिस्तान किस लिए बनाया था, भटक गए। बहरहाल मैं इन शवाहिद की बिना पर ये यकीन रखता हूं, पूरा तुर्किश बेल्ट सिलसिला मुजद्दिया नक्शबंदिया के साथ, ये पूरा सिलसिला अफगानिस्तान से चलिए तुर्किस्तान से चलकर तुर्की तक, पूरा ये जो नॉन अरब वर्ल्ड है, नॉन अरब मुस्लिम वर्ल्ड, वो सिलसिला मुजद्दिया हजरत अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह, गर्दन न झुकी जिसके जहांगीर के आगे, जिसके नफस गर्म से गर्मी आरार, ये उन्हीं का सिलसिला है जो पूरे तुर्किश बेल्ट में आपको नजर आएगा। फिर शाह वलीउल्लाह जैसा मुफक्किर। बहरहाल ये तमाम शवाहिद हैं, और मेरे लिए तो सबसे बड़े शवाहिद जो है, अब वो अहादीस देखिए जो हुजूर ने बयान फरमाई। जब ये मारका गर्म होगा, एक हदीस है, हुजूर फरमाते हैं, इब्ने माजा की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हारिस रजी अल्लाह तआला अन्हु से, यखरुजु नासुम मिनल मशरिक युवत्तेउन लिल महदी यानी सुल्तान ही। जब उस आलम अरब में, देखिए एक बात मैं अर्ज कर चुका हूं, बड़ी तल्ख बात है, आलम अरब हमारा बेहतर हिस्सा है, अफजल हिस्सा है, उनको अल्लाह ने फजीलत हमसे बहुत ज्यादा दी है। सबसे बड़ी फजीलत कि मोहम्मद खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब थे, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया। फिर मुस्तकिल फजीलत, अल्लाह का कलाम उनकी जबान में मौजूद है, मादरी जबान। लिहाजा अगर उन्होंने कोताही की, उन्होंने पीठ दिखाई, बहुत बड़े मुजरिम है, इसमें कोई शक नहीं। और यही वजह है ये सारे मलाहिब वही होने हैं, ऐसी ऐसी भारी जंगें, हुजूर फरमाते हैं इतने लोग हलाक होंगे कि परिंदा उड़ता चला जाएगा, उतरने की जगह नहीं मिलेगी, लाशें ही लाशें होंगी, ये शक्ल होने वाली है। और मैं तो चूंकि एक मजमून और किताबचे की शक्ल में भी शाये हो चुका है, इसमें के हुजूर की उस हदीस के हवाले से, मेरी उम्मत पर भी वो सब कुछ वारिद होगा जो साबिका उम्मत पर हुआ, उसी के हवाले से अर्ज कर चुका हूं, अगर इस सदी में हॉलोकास्ट में 60 लाख यहूदी मारा गया है, कोई उसी का दोबारा चरबा जो है उम्मत मुस्लिमा पर भी आने वाला है। लेकिन उसके बाद फिर उनके लिए फौजें जाएंगी मशरिक से, वहां जो इमाम होंगे, जो भी उनको लीड कर रहे होंगे, हजरत महदी। ये तसव्वुर ज़हन में रखिए, हमारे माँ बहन और ईसाइयों के माँ बहन, हजरत मसीह की जात मुश्तरक, अगरचे उनका ये अकीदा है कि वो सूली दिए गए, फौत हो गए, माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह,
फिर जिंदा होकर आसमान पर गए, फिर आएंगे। हम कहते हैं नहीं, वो सूली दिए ही नहीं गए, वो जिंदा आसमान पर उठाए गए, वापस आएंगे। गोया के बहुत हद तक इश्तराक है, लेकिन एक इख्तलाफ भी है। इसी तरह हजरत महदी के बारे में शिया और सुन्नी तसव्वुरात में इत्तेफाक भी है, इख्तलाफ भी है। यकीनन उम्मत मुस्लिमा, उम्मत अरब, मुझे तो इकबाल का वो शेर याद आता है, खून इसराइल आ जाता है आखिर जोश में, तोड़ देता है कोई मूसा तलिस्म सामरी, तो क्या खून इस्माइल जोश में नहीं आएगा? हजरत इस्माइल की नस्ल में हुजूर, और हुजूर की साहिबजादी हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर ने फरमाया मेरी इस बेटी की नस्ल में अल्लाह ताला एक शख्स को उठाएगा जो उस वक्त मुसलमानों की क्यादत करेगा। ये चीज हमारे और अहले तशय्यो के माबेन मुश्तरक फर्क ये है, वो समझते हैं कि उनके बारहवें इमाम के जो आज से 1200 बरस कबल रूपोश हो गए थे वो जाहिर होंगे, हमारे नजदीक नहीं। वो पैदा होंगे, नौ मौलूद होंगे, आम इंसानों की तरह आएंगे, होंगे नस्ल फातिमा में से रजी अल्लाह ताला अन्हा, और वो उस वक्त अरबों की क्यादत करेंगे। खून इस्माइल आ जाएगा आखिर जोश में, और कोई हजरत मेहदी वो आएंगे और उठेंगे और क्यादत करेंगे, दज्जाल से मुकाबला करेंगे और उस बलाहिम के अंदर क्यादत फरमाएंगे। लेकिन उनकी मदद के लिए मशरिक से फौजें आएंगी, गोया के पहले मशरकी किसी मुल्क में यह निजाम कायम हो चुका होगा, कोई ऐसी ताकत वजूद में आ चुकी होगी कि जब वहां भट्टी दहकेगी तो वहां के मुसलमानों की इमदाद मशरकी ममालिक से जाएगी। और एक दूसरी हदीस में, यह तो तिर्मिज़ी की रिवायत है, कुतुब हदीस में तीसरे नंबर पर किताब यही है, सही बुखारी सही मुस्लिम फिर यह जामे तिर्मिज़ी, इसमें हजरत अबू हुरैरा से रिवायत है, यखरुजु मिन खुरासान रायातु सूद, खुरासान में बता चुका हूं हुजूर के जमाने का खुरासान, अफगानिस्तान, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का, कुछ रूसी तुर्किस्तान की आजाद रियासतें जो अभी हुई है, थोड़ा सा हिस्सा ईरान का, ये खुरासान है बुजुर्ग, द ओल्ड ग्रेटर खुरासान। यहां से फौजें चलेंगी, से आलम बरामद होंगे और कोई ताकत उन्हें रोक न सकेगी, उनका मुंह फेर न सकेगी, यहां तक कि वो एलिया, एलिया हुजूर के जमाने में यरूशलम का नाम था, यहां तक कि एलिया में जाकर नस्ब हो जाए। गोया कि ये जो हमारे हाथ से निकला है कब्जे से, पहले भी अरबों के हाथों से निकला था बैतुल मक़दिस यरूशलम, अरब वापस नहीं ले सके थे, कुर्द खून सलाहुद्दीन अय्यूबी उसने वापस लिया, अरबों में दम नहीं रहा था, अय्याशियों की वजह से खोखले हो चुके थे। मैं तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर और सना अव्वल, ताऊस और रुबाब आखिर, यही वजह है कि तकरीबन 20 सदी के बाद उनकी हुकूमत खत्म, आसमारा हक मुवद्दर खूम बारक बर जमीन बर जवाल मुल्क मुस्तासिम अमीर मोमिनी, ये हुआ कि नहीं हुआ? जबकि आए हैं तातारी होर्ड्स, और जिन्होंने के आखिरी खलीफा बलू अब्बास उसे महल में से निकाला एक खाल के अंदर लपेट कर और अपने घोड़ों के सूंहों तले कुचल दिया, अरब माजूल कर दिए गए थे। लेकिन अब दोबारा अरबों को जब सहारा मिला है, लेकिन अब भी उन्होंने कहीं इस्लाम कायम नहीं किया, कोई रूस का गुलाम रहा, कोई अमेरिका का गुलाम रहा, किसी ने उसका साथ दिया, किसी ने इसका साथ दिया, तहजीब है तो मगरबी, तमद्दुन है तो मगरबी, वजह में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। यही मामला जब उनका हुआ तो अब अल्लाह ताला की तरफ से उनके ऊपर वो अजाब की भट्टी गर्म होने वाली है। लेकिन इसके बाद फिर यहां से जाएंगे वो जो उनकी मदद करेंगे, और ये एलिया को वापस लेने वाले ये मस्जिद से चलने वाले लश्कर होंगे। ये दो हदीसें अभी सुन लीजिए, और तीसरी हदीस ये है, हुजूर ने फरमाया, ये सुनन नसाई की रिवायत है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عصابتان من امتي احرزهم الله من النار احرزهم الله من النار, میری امت کے دو لشکر ایسے ہوں گے جنہیں اللہ نے آگ سے نجات دے دی ہے, پہلے ہی سے ڈکلیئرڈ ہے, عصابت تغزو الہند, ایک لشکر کے جو ہند پر حملہ آور ہوگا, وعصابت تكون مع عیسی ابن مریم علیہ السلام, और दूसरा लश्कर वो है जो हजरत ईसा के साथ जाकर और उनका उनके साथ मिलकर यहूदियों के खिलाफ जंग करेगा।
میں اس حدیث کا جو مطلب سمجھتا ہوں واللہ عالم، یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہ علاقہ خراسان اور پاکستان، جب یہاں نظام خلافت قائم ہوگا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی، اور یہاں سے جانب مشرق ہند اور جانب مغرب یہ جو یہودیوں کا سیلاب آ رہا ہے، ان دونوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ العزیز، ورنہ یہ حسابتان جو ہے ایک حدیث میں جمع کرنے کی کوئی اور حکمت ہو نہیں سکتی، ورنہ تو ہندوستان پہ کئی لشکر آئے ہیں، لیکن یہ کہ در حقیقت اسی وقت جبکہ عالم عرب میں وہ بھٹی دہکے گی، اسی وقت یہاں انقلاب آ چکا ہوگا، ایک طرف یہاں سے مدد کے لیے لشکر جائیں گے کہ جو مسلمان عرب جو ہیں ان کی مدد کریں گے، حضرت مہدی کے جھنڈے تلے لڑیں گے، حضرت مہدی کی حکومت کو مستحکم کریں گے، یو اتیون علی المہدی، دوسری طرف وہ ہندوستان کی طرف پیش قدمی کریں گے، اور یہی سے جیسے اس وقت سیلاب نکلا تھا جزیرہ نما عرب سے، ایک داہنی طرف ایک بائیں طرف، ایران، افغانستان، ترکستان، ادھر مصر، لیبیا، الجزائر، مراکش، موریتانیہ، اسی طریقے سے انشاءاللہ اسی علاقے سے اس کا آغاز ہوگا اور بات آگے بڑھے گی۔ تو غرب اصل حاصل کیا ہے؟ یہ ہونا ہے، پچھلے آثار ثابت کر رہے ہیں کہ ہونا ہے، حضور کی احادیث بتا رہی ہے کہ یہی سے ہونا ہے، ہوا صرف یہ ہے ہم بھٹک گئے، ہمیں اپنی منزل یاد نہ رہی۔ میں تو بہرحال ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے نعرے لگائے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں 1946 میں یہاں حبیبیہ ہال میں قائد اعظم نے مسلم سٹوڈنٹ فیڈریشن کے جس اجلاس کو خطاب کیا تھا، ضلع حصار سے جو دو ڈیلیگیٹ آئے تھے ان میں سے ایک میں تھا، میں نے بہرحال اس تحریک میں بھی حصہ لیا ہے، ایک ننھے کارکن کی حیثیت سے لیا ہے، پھر حالات کو بدلتے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے ہم کہاں سے کہاں جا پہنچے ہیں۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آج ہمارا حال یہ ہے، ہماری قیادت، ہماری سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی کے پلاہ و کرکسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے، تب و تاب جاودانہ، ان کی تہذیب مغربی، ان کی ذہنیت مغربی، ان کی وضاقت مغربی، ان کا تمدن مغربی، ان کی سوچ مغربی، ان کے سارے اطوار مغربی۔ لہذا در حقیقت ایک تو یہ کہ ان سے چھٹکارا پانا، اور دوسرے یہ کہ در حقیقت مغرب کی تمام طاقتوں کو للکارنے کے لیے اس قوم کے اندر سے جذبہ ایمان، جذبہ جہاد کو برآمد کرنا، یہ دو کام ہیں جو کرنے ہیں، اور اگر ہم یہ کر لیں گے، جیسا کہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی، اللہ کا کوئی وعدہ غیر مشروط نہیں، ایمان اور عمل صالح، ایمان اور جہاد، یہ وعدے کرو پورے کرو گے تو اللہ کا وعدہ بھی پورا ہوگا۔ لیکن ظاہر بات ہے جیسے یہودیوں نے یورپ کو فتح کیا، اور آج وہ مغرب یہودیوں ہی کے زیر اثر ہمیں فتح کرنے پر تلا ہوا ہے، آج نوٹ کیجئے جس طرح تین اطراف سے یہودیوں نے حملہ کیا یورپ پر، میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، آج ہم پر بھی اسی طرح کا 3-pronged اٹیک ہے۔ نمبر ایک، ایٹمی دانت نہ نکلنے پائے اس قوم کے، رول بیک کرانے کے لیے خاموش ڈپلومیسی، اس کے ہتھکنڈے، کہیں ان میں طاقت نہ ہو جائے، کہیں یہ چیلنج کرنے کی پوزیشن میں نہ آ جائے، اپنے پاس ایٹمک ہتھیاروں کے انبار کے انبار ہوں، لیکن کسی مسلمان ملک کے پاس آ گیا تو وہ اسلامک بمب بن جائے گا، اگر وہ اسرائیل کے پاس ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن پاکستان کے پاس کسی صورت میں ہتھلا نہیں ہونا چاہیے۔ کمزور رکھو، ہمارے دستے نگر رہے، ہماری ہی مرضی پر، ہمارے چشم ابرو کے اشارے پر حرکت کریں۔ نمبر دو، اباحیت، بے حیائی، عریانی، فحاشی، اس کا سیلاب، اور سب سے بڑھ کر خاندانی نظام کو برباد کرنے کے لیے یہ بہبود آبادی کا پروگرام، اور دیکھیے جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، مسلمانوں کے ہاتھوں کرا رہے ہیں، قاہرہ میں کانفرنس کرائی ہے ایک مسلمان ملک میں، اور یہ کہ اس کو آرگنائز کرنے والی ایک پاکستانی مسلمان عورت، یہ ہے در حقیقت کہ وہ لوگ اگر کرنا بھی چاہتے ہیں تو اس کا الزام بھی براہ راست اپنے اوپر نہیں،
بلکہ یہ کہ خود کوئی مسلمان ہو جو یہ کام کرے۔ اب جو سیلاب آئے گا جس کے لیے مدد بھی دی جا رہی ہے، اس سے ہمارے سارے بندے حیا ٹوٹ کر رہ جائیں گے، خاندانی نظام گرم برم ہو کر رہ جائے گا۔ جو ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک کے اندر انٹیکٹ ہے، ہے کچھ اوپر کا طبقہ جو بالکل ہی مغربی تہذیب میں رگا گیا ہے، ورنہ ہمارے ہاں خاندان کا نظام ابھی انٹیکٹ ہے۔ لیکن یہ کہ یہ سیلاب بھی بڑی شدت سے آ رہا ہے، یہ چیزیں بیک وقت کیوں ہو رہی ہیں؟ اور تیسرا اور سب سے زیادہ سٹل وار، سب سے زیادہ یوں سمجھئے کہ جو لطیف، جو کہ ایک طرح کا احسان جتایا جا رہا ہے، ڈالروں کی اب یلغار۔ اب یہاں پر امریکی سرمایہ اور ڈالر چاہے مشرق سے آئے چاہے مغرب سے آئے، وہ یہودیوں کا اعلی کار ہے۔ آپ نے اگر $1 نوٹ کا اگر کبھی نقشہ دیکھا ہو، اس کے اوپر جو سگنیا بنا ہوا ہے، جو نشان ہے، وہ کیا ہے؟ پیرامڈ، احرام مصر۔ یہ کن کے لیے اہمیت رکھتے ہیں؟ ہزار ہا یہودیوں کا خون اور ان کی ہڈیاں ان پیرامڈز کے تلے دبی ہوئی۔ جب یہ احرام بنائے گئے تھے، یہ یہودی وہاں غلامی کے دور میں تھے، بیگار ان سے لی جا رہی تھی۔ بڑے بڑے پتھر جب گرتے تھے تو پسنے والے یہودی ہوتے تھے۔ یہ ان کی اپنی، جیسے ہولوکاسٹ، جیسے انہوں نے اس کو اپنا سمبل بنایا ہوا ہے، اسی طریقے سے پیرامڈ، مصر کا پیرامڈ، یہ گویا کہ ان کے اس زوال کا ایک نشان ہے، اور اس پر ایک آنکھ بنی ہوئی ہے، ایک آنکھ، کانِ دجال کی آنکھ، وہ دیکھ رہی ہے۔ عجیب ہے یہ سمبل۔ نیچے لکھا ہوا ہے نووس آرڈو سیکلورم، اور یہ در حقیقت 1776 جو نیچے لکھا ہوا ہے وہ رومن حروف کے اندر، یہ 1776 ہے جو میں بتا چکا ہوں، آرڈر آف الیمناٹی ویسوپ نے قائم کیا تھا۔ عام دنیا یہ سمجھتی ہے کہ شاید یہ امریکہ کا یوم آزادی ہے، سن آزادی ہے۔ اے یکم مئی، اس آرڈر آف الیمناٹی کی تاسیس یکم مئی کو ہوئی ہے۔ یہ یکم مئی جو منایا جاتا ہے، دھوکہ یہ دیا گیا ہے کہ یہ شکاگو کے جو مزدور ہیں ان کی یادگار ہے۔ حقیقت میں یہ یکم مئی اور 1776 آرڈر آف دی الیمناٹی کی تاسیس کی تاریخ ہے۔ یہ تمام معاملہ سمجھ لیجئے۔ ڈالر در حقیقت، ہم نے ابھی تازہ ندائے خلافت میں نعیم صدیقی صاحب کی نظم شائع کی ہے، 45 برس، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ عرصے کی پرانی نظم ہے جو ہم نے شائع کی ہے۔ ڈالر میرے اس دیس کو ناپاک نہ کرنا، اور میں تو انہیں داد دیتا ہوں، جو کچھ انہوں نے شاعر کہتے ہیں اس کو، جو صاحب شعور ہے، اس صاحب شعور نے جو مشاہدہ کیا ہے کہ ڈالر آئے گا تو کیا آئے گا ہمارے ہاں، اس کی پوری داستان اس تازہ ندائے خلافت میں ہم نے نہ معلوم کہاں سے اس کو کھود کر نکلوایا ہے۔ ہم ان کا احسان مانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی یہ پرانی نظم، اب ان کی جماعت تو سب بھول بھال گئی ان چیزوں کو، اسی لیے وہ اسے تج کر باہر بھی اب آ گئے۔ بہرحال ہمیں تو ان کی ایک ایک چیز جو ہے، مجھے تو وہ شعر آج کا، اگر آپ نے جنگ کا میرا کالم پڑھا ہو، میری تو فکر کے اندر رچ بس گیا ہے۔ پاکستان کے بارے میں جب کہا تھا، اے آندھیوں سنبھل کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ ہماری امیدوں کے چراغ ہیں، یہ اسلام کا گہوارہ بننے والی ملک ہے، یہ اس کو ہم نے قائم کیا تھا اسلام کے لیے۔ یہ آندھیاں نہ چلیں اس ملک کو، ہم نے اسلام کے چراغ جو ہیں ہم نے اس میں روشن کیے ہوئے ہیں۔ اے آندھیوں سنبھل کے چلو، اس دیار میں امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ بہرحال یہ تیسرا سیلاب ہے، ننگی سرمایہ داری جس کی پھر لعنتیں ہوتی ہیں، ایک طرف فقر، ایک طرف احتیاج، ایک طرف بھوک، ایک طرف دولت کے انبار۔ پہلے بھی ہمارے ہاں فرق کم نہیں ہے، لیکن اب جو ہوگا اگر یہ بات پوری ہو گئی تو وہ ننگی سرمایہ داری، اور سرمایہ داری ہی در حقیقت یہود کا سب سے بڑا ہتھکنڈا ہے۔ یہ بینکنگ کا نظام، یہ سارا کا سارا سودی نظام، یہ IMF، یہ ورلڈ بینک، یہی تو ان کے سب سے بڑے ادارے ہیں۔ تو واقعہ یہ ہے کہ تین طرف سے ہم پر حملہ ہو رہا ہے۔ اور یہ سود کے بارے میں کیا کہا تھا اقبال نے، اضربا آخر جمی زائد فتن، اس سود کے ام الخبائث کے پیٹ سے سوائے فتنوں کے اور کیا برآمد ہو سکتا ہے؟ کس نہ داند لذت قرض حسن، کسی کو قرض حسنا کی لذت یاد نہیں رہی۔ بغیر سود کے قرض دو، تمہارے پاس فاضل رکھا ہوا ہے کسی بھائی کو دو،
कि वो अपनी माशी गाड़ी का पहिया चला ले, फिर असल वापस ले लेना। अगर इतनी हिम्मत नहीं है कि अंतसद्दकु फहुवा खैरुल लकुम, सदका ही कर दो तो सबसे अच्छा है, दे ही डालो अपना फाजिल सरमाया। ये सलूना का माजा युनफिकून कुलिल अफ, मत रखो अपने पास, ये गंदगी है। लेकिन अगर बड़े ही कम हिम्मत हो तो कम से कम कर्जे हसना दो, अपनी असल रकम वापस लेना। कसनद आनत कर्जते लज्जते कर्ज हसन अजरेबा जहां तीरा दिल चू खिश्तो संग। इसलिए कि सूद के जरिए से इंसान के अंदर तारीकी फैल जाती है, दिल जो है ईंट के मानिन पत्थर के मानिन सख्त हो जाता है, कठोर। सुम्मा कसत कुलूबकुम फही अकल हिजारत या वशद कसवा। आदमी दरिंदा बेदंदारो चंग, और इंसान बगैर इसके के भेड़ियों वाले दांत हो और भेड़ियों वाले पंजे हो, भेड़िया बन जाता है। बहरहाल अब करने का काम क्या है उसको समझिए। इस पूरी सूरत हाल का मैंने आपके सामने नक्शा पेश कर दिया। एक तरफ मगरिब से न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो जीव वर्ल्ड ऑर्डर है, इस वक्त की सुप्रीम पावर ऑन अर्थ अमेरिका की सरपरस्ती में बड़ी तेजी के साथ हमला आवर है। दूसरी तरफ वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह को पामर्दी है मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। अल्लाह ताला ने इसराइल का तोड़ पाकिस्तान कायम किया, अल्लाह ताला ने उसके लिए 300 बरस की तारीख उसकी तमहीद में मुजद्दीन उम्मत यहाँ पैदा किए, यहाँ करारदाद मकासिद पास करा दी 20वीं सदी ईस्वी के वस्त में, कि अकबर नाम लेता है खुदा का इस जमाने में, बैंक इंटरेस्ट को रिबा सूद हराम करार दिया। ये सारे शवाहिद हैं। अब जरूरत सिर्फ एक बात की है, एक जबरदस्त अवामी तहरीक उठे। ये अवामी तहरीक कैसी हो? नंबर एक, फिरके वारियत से बुलंद हो। ये फिरके वारियत जो इस वक्त बहुत बड़ा फितना बन गया है, जिसकी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है, इसके अंदर अगर हम कौम के हैसियत से अगर मुलव्विस होते चले गए आखिरी तबाही आ जाए। फिरके वारियत से बुलंद, सियासी कशमकश से बुलंद। ये सियासी कशाकश, ये हिज्ब इख्तलाफ, हिज्ब इख्तदार, इससे बुलंद, इससे कोई बहस नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। इलाकाइयत या लिसानी कौमियत, अपने दुनियावी हकूक की फिक्र मत करो बल्कि आखिरत की फिक्र करो, और यहां इसकी असल मंजिल खिलाफत के निजाम की फिक्र करो। इन तमाम चीजों को पूरा करते हुए यहां पे निजाम खिलाफत कायम किया जाए, यह है वाहिद इलाज। और इसी के लिए ललकारने के लिए, इसी के लिए दावत देने के लिए हमने इस तहरीक खिलाफत पाकिस्तान का आगाज किया। तंजीम इस्लामी ने अपने लिए हदफ मुअय्यन किया है, निजाम खिलाफत अला मिनहाज नबुव्वा का क़याम, पहले पाकिस्तान में और फिर कुल नूए अरसी पर। अब मैं चंद मिनटों में आपको बताऊंगा कि वो निजाम है क्या। देखिए, इस मौजू पर मैं पाकिस्तान के तकरीबन तमाम बड़े शहरों में अक्सर जगह 3 दिन 2-2 घंटे की तकरीर कर चुका हूं। सियासी निजाम क्या है, माशी निजाम क्या है, समाजी निजाम क्या है, खिलाफत अब कायम होगी जो बहरहाल 1400 बरस कबल की खिलाफत और आज की खिलाफत, वक्त के दरिया में बहुत सा पानी गुजर गया है, उसूल वही के होंगे, फंडामेंटल वही के होंगे, तफसीली खाका बनेगा इस जमाने के तकाजों के मुताबिक। तो मेरे वो तकरीरें वीडियो की शक्ल में, ऑडियो की शक्ल में, उर्दू में, अंग्रेजी में, शिकागो में 20 घंटे का प्रोग्राम पिछले साल रिकॉर्ड करा के आया। अल्लाह का फजल है कि वो फैल रहा है मामला। अब मगरिब में अजान खिलाफत बुलंद हो रही है, उसका तस्करा मैं बाद में करूंगा। बहरहाल वो तो तफसीली बात है, यहां मैं चंद मिनटों में सिर्फ अलजबरा के उसूलों की तरह चंद बातें बता रहा हूं। जो भी आपका आज निजाम है, 3 शर्तें पूरी कर दीजिए वो खिलाफत बन जाएगा, सियासी और दस्तूरी एतबार से। नंबर एक, हाकमियत अल्लाह की, और अल्लाह का शुक्र है ये हम कर चुके। अल्लाह जदाए खैर दे जिन्होंने मेहनत की थी, अल्लाह जदाए खैर दे जिन्होंने वो तहरीक उठाई थी मतालबा दस्तूर इस्लामी, और फिर जिन्होंने मदद की थी, अल्लाह ताला उन्हें जदाए खैर दे। बहरहाल वो अब हमारे दस्तूर का हिस्सा है। हाकमियत अल्लाह,
البتہ اگلا قدم ہم آج تک نہیں اٹھا سکے. اس حاکمیت کا ظہور کیسے ہوگا؟ آپ کے دستور میں یہ طے کر دیا جائے کتاب و سنت ہر شے سے بالا تر ہے، دستور سے بھی بالا، عدالتی قوانین سے بالا، پارلیمنٹ سے بالا، سینٹ سے بالا، صدر سے بالا، سپریم کورٹ سے بالا، ہائی کورٹ سے بالا، ہر شے سے بالا کتاب و سنت. جب تک یہ نہیں ہوتا، قرارداد مقاصد کی حیثیت ایسی ہے کہ جیسے آپ سینما ہال کے اوپر آگے جو ہے قرآن مجید کا کوئی کتبہ لگا دیں، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ بھی غنیمت ہے کہ قرارداد مقاصد پاس ہوئی. اصل شرط یہ ہے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادست. اور یہ بڑی کڑوی گولی ہے. عوامی تحریک جب تک نہیں چلے گی، لوگ جب تک اپنی خون کی ندیاں نہیں بہا دیں گے، یہ کڑوی گولی حلق سے اترنے والی نہیں. یہ آئی جی آئی کی حکومت میں نہیں اتری، اسلام کے نام پر اقتدار میں آئے، اسلام کے نام پر آئی ایس آئی نے آئی جی آئی بنوائی، اسلام کے نام پر انہیں ووٹ ملے، دو تہائی کی اکثریت ملی. اس کے باوجود شریعت کی بالادستی کا ایکٹ، شریعت کی بالادستی کی دستور کے اندر ترمیم پاس نہیں کرائی. معلوم ہوا اوپر زبردست کا ٹھینگا ہے، امریکہ کے سب پرستار ہیں، سب ڈرتے ہیں، سب کے لیے سب کو نظر آتا ہے بالآخر جو ہے اسی کے پاس جانا ہوگا، چاہے وہ نواز شریف ہو اور چاہے وہ بے نظیر ہو. ایک کھلم کھلا ہے، اور اب تو میں کہتا ہوں نواز شریف بھی کھلم کھلا ہے. آج کے اس دور میں انہوں نے اسلام کا نام کبھی نہیں لیا، اس سے تو بالکل تائب. بس صرف فرق یہ رہ گیا ہے بے نظیر کھلم کھلا بھی مذاق اڑا لیتی ہے اسلامی صداؤں کا، اسلامی قوانین کا. یہ اس پر ذرا خاموش ہے، لیکن یہ کہ اپنی تحریک میں ہمارے بہت سے جو سیاسی قائدین ہیں مسلمانوں کے، کتنے بیانات آپ نے پڑھے ہوں گے، ذرا اسلام کا نام لے دیں ہم ساتھ ہو جائیں گے. مولانا سمیع الحق صاحب کا بیان آیا، ذرا اسلام کی بات کریں تو ہمارے اور بہت سے علماء اور ہمارے طارق صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ میں ان ساتھ آ جائیں گے. لیکن یہ کہ بڑا پکا ثابت ہوا نواز شریف اسلام کا نام نہیں لیا، یہ بات جان لیجئے، یہ اس کے بغیر، قربانی کے بغیر اصل یہی منزل ہے، اصل کٹھن یہی ہے. یہ کتاب و سنت کی بالادستی، اس کو قبول کرنا، اختیار کرنا، یہ بغیر عوامی تحریک کے، بغیر قربانیوں کے ممکن نہیں ہوگا. بہرحال دوسری بات یہ، اور تیسری بات، کسی غیر مسلم کو نظام خلافت میں قانون سازی میں شریک نہیں کیا جا سکتا. جس قانون کی بنیاد کتاب و سنت، جو نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے، اس کا اس ملک کی قانون ساز اسمبلی میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ان کی علیحدہ اسمبلیاں ہوں، ان کے جو حقوق ہیں مائنورٹیز کی حیثیت سے ان کی گارنٹی دی جائے، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کا پورا تحفظ، ان کی پوری مذہبی آزادی، ان کی عبادت گاہوں کی پوری ضمانت ان کی حفاظت کی، ان کا پرسنل لا ہو، سب کچھ ہوگا. قانون سازی میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. نظام خلافت کی اعلیٰ ترین سطح کی پالیسی بنانے میں غیر مسلم شریک نہیں ہو سکتا. یہ معاملات ہمیں، یہ کڑوی گولیاں ہیں، لیکن صرف تین گولیاں ہضم کر لیجئے، یہ نظام خلافت کا نظام بن جائے گا. البتہ چوتھی بات اور عرض کر دوں، وہ کہتا ہوں بہتر ہے، بہتر ہے کہ اس پارلیمانی نظام کی لعنت جو انگریزوں کے وراثت کے طور پر ہمیں ملی ہے، اسے چھوڑ کر صدارتی نظام اختیار کیا جائے. وہ صدارتی نظام جو نظام خلافت سے قریب تر ہے، انہوں نے ہم سے لیا ہے. اقبال نے کہا ہے، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کہ از خاکش برو یا دارزو، یا دنور مصطفیٰ اورا بہاش، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ. اگر کوئی اچھائی ان کے پاس ہے، وہ نور مصطفیٰ سے مانگی ہوئی ہے. یہ خلافت کے نظام کا چربہ ہے. ایک شخص کو منتخب کرو، اب اسے اختیار دو، اس کے ہاتھ کھلے رکھو، اسے کام کرنے دو. ہاں امپیچمنٹ کا نظام ہو، غلط ہو تو اسے سیدھا کرنے کا نظام ہو. اس کے لیے آپ امپیچمنٹ کا نظام آج کی جو امریکہ کی حکومت ہے اس میں بھی ہے، اور کیسا ہے کہ ذرا سا اندیشہ ہوا تھا اور نکسن صاحب جو ہے بھاگ کھڑے ہوئے تھے. تو میرے نزدیک صدارتی نظام اور چھوٹے صوبے، یہ بڑے بڑے صوبوں کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹے صوبے ہوں،
लोगों को सहूलतें हो, हर इलाके के लोगों को मालूम हो कि हमारे मामलात हमारे अपने हाथ में है, उनके अंदर कोई एहसास जो है महरूमी का पैदा ना होने पाए, इसलिए कि वही चीज है जो स्याही घोल देती है। कौन स्याही घोल रहा है? वक्त के बहते दरिया में ये सारी स्याहियां जो सिंध में घुल रही हैं, बलोचिस्तान में घुल रही हैं, सरायकी के इलाके में घुल रही हैं, इन सब का इलाज है छोटे सूबे बनाओ। लेकिन ये चीजें खिलाफत की शराइत में से नहीं है, बेहतर बात है, दुनियावी एतबार से बेहतर बात है, इंतजामी एतबार से बेहतर बात है। बाकी असल शराइत तीन, अल्लाह की हाकमियत का इकरार जो करारदाद मकासिद में बिलफेल है, किताब और सुन्नत की टोटल बालादस्ती, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार दीजिए, वहां जाकर कोई भी शहरी पाकिस्तान का कोई भी आलिम दीन अगर साबित कर दे फला कानून, फला हिदायत, फला इंस्ट्रक्शन, फला कोई हुक्म जो दिया गया है किताब सुन्नत के मुनाफी है, फौरन कल आदम होगा। और तीसरी बात, गैर मुस्लिम प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी होंगे, उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत होगी, लेकिन यह कि वो बराबर के कानून साजी के हक में शरीक नहीं हो सकते, इसलिए कि यहां किताब सुन्नत मंबा है कानून का जिसको वह तस्लीम नहीं करते। इसी तरह ये माशी निजाम, मौजूदा सरमायादाराना निजाम, बहुत बड़ी लानत, बहुत बड़ी लानत, बहुत बड़ी लानत। लेकिन जैसे आपको मालूम है, आज ही अबू जहल कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान बन जाता, कलमा तो एक ही था ना। अबू तालिब के पास जब वफद गया था सरूसाए कुरैश का, और उन्होंने कहा था कि अपने भतीजे को रोक लो, वरना अब हम जो तुम्हारी भी रियायत अब नहीं करेंगे, मैदान जंग में आ जाओ। अबू तालिब ने कहा था मेरा भतीजा तुमसे क्या मांग रहा, एक कलमा, एक कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, और तो उसको कोई मतालबा नहीं। उन्होंने कहा, अबू सुफियान उस वक्त तक चूंकि अभी कुफर में थे, शिर्क में थे, उन्होंने कहा वो एक कलमा जो वो मांग रहा है वो हमारे सारे माबूदों की नफी कर देता है, वही तो सबसे बड़ी मुसीबत है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तीन चीजें इस सरमायादाराना निजाम में से निकाल दीजिए, ये इस्लामी निजाम बन जाएगा। तफसील में जाने का मौका नहीं है, मैं फार्मूला दे रहा हूं। तफसील मैंने अर्ज किया, मेरे कैसेट्स हैं, किताबें हैं, वो खुतबात खिलाफत अब किताबी शक्ल में भी आ जाएंगे, अंग्रेजी में वीडियो कैसेट है, उर्दू में है, बड़े बड़े शहरों में खुतबात दे चुका हूं, मवाद मौजूद है। लेकिन इस पर फार्मूला बता रहा हूं, तीन चीजें निकाल दीजिए। नंबर एक, सूद निकाल दीजिए। इसमें भी अल्लाह के फजल करम से पेशरफ्त हमारे यहां हुई, फेडरल शरीयत कोर्ट ने फतवा दिया और इतना जबरदस्त जजमेंट लिखा है, पूरी दुनिया के लिए रहनुमाई का जरिया बन जाएगा। यही वजह है कि मुझे मालूम हुआ है मौजूदा हुकूमत ने उसकी इशात रोक दी है, बाहर के ममालिक से डिमांड। मैं जब इंग्लिस्तान में था अभी दो महीने कबल, वहां कुछ लोगों के सामने तस्करा किया, उन्होंने कहा हमें मंगा के दीजिए, बांग्लादेश के मुसलमान थे, हमें मंगा के दीजिए। मैंने यहां लिखा, मालूम हुआ कि नहीं, वो मिल ही नहीं रहा, बल्कि कह दिया गया इसे मत छापो, उसकी इशात बंद, इसलिए कि वो कलमा खैर कहीं फैल ना जाए। यहूदी का अगर इलाज है, जैसे आपने सुना था बचपन में कहानियां, देव की जान एक तोते की गर्दन में है, तोते की गर्दन मरोड़ दोगे देव मर जाएगा, यहूदी की जान सूद में है। ये सारा हथकंडा इसका जो है, जो वर्ल्ड डोमिनेशन यहूदी चाह रहा है, वो मालियाती नौइयत की है, वो अपनी हुकूमत कायम नहीं करना चाहता। हुकूमत के तो बड़े खखेड़ होते हैं, बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, लोगों की तनकीदें सुननी पड़ती हैं, भूखे भेड़िए कभी टूट पड़ते हैं, लिहाजा उनको छोड़ो, हुकूमत वो खुद करें। हाँ, वो मेहनत करें हैवानों की तरह, मलाई हमारे पास आती चली जाए, जिंदा रहने की हद तक तो उनको देंगे, जैसे तांगे वाला घोड़े को भी आखिर दाना तो डालता है कि अगले दिन फिर उसे जोतना है तांगे के अंदर, लेकिन असल कमाई तो उसकी है जो हो रही है। सिर्फ ये मालियाती निजाम और उसका एक ही लफ्ज के अंदर तोड़ है, सूद खत्म और यहूद की गोया के जान निकल जाएगी। यही वजह है, जैसे ही फेडरल शरीयत कोर्ट का फैसला आया था, वो जो कोई चीजें पाइप के अंदर पड़ी हुई थी मदद की, वो भी रोक ली गई। ये कौम किधर जा रही है? ये तो हमारे हाथ से निकली जा रही है। और जब तक कि उसके खिलाफ
आईजीआई की हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट में अपील में नहीं पहुंचा दिया, उस वक्त तक यह है एक डॉलर जो है कहीं से इधर से उधर हिलने नहीं दिया। यह हकाई असल में उनको समझ लीजिए, सूद निकाल दीजिए, जुआ, स्पेकुलेशन, फॉरवर्ड ट्रेडिंग की वो सारी सूरतें जो सिर्फ बैह सलम एक जायज है, बाकी सारी सूरतें हराम है, इनको निकाल दीजिए और जागीरदारी खत्म कर दीजिए। जागीरदारी खत्म करने के लिए हजरत उमर की शमशीर लानी होगी, शमशीर फारूकी। उनका यह फतवा था, इजमा था कि जो मुल्क जो इलाके बजोर शमशीर फतह हुए हैं वो किसी के इंफिरादी मिल्कियत नहीं रहेंगे, वो उम्मत मुस्लिमा की इज्तिमाई मिल्कियत है। कोई इंच जमीन, इसी वजह से हमारे यहां फर्क है खराजी और उशरी। उशरी जमीन मिल्कियत ही होती है, उसमें से एक मुसलमान जिसकी मिल्कियत ही जमीन है उसका वो दसवां हिस्सा या बीसवां हिस्सा पैदावार का देकर फारिग, और जो खराजी जमीन होती है वो किसी की मिल्कियत ही नहीं होती, वो तो मुसलमानों की है, निजामे खिलाफत की है। जो काम कर रहा है चाहे मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, वो काश्त करेगा, आधा उसका है आधा रियासत का है, बैतुल माल का है। यह है निजाम खराजी का और उशरी का फर्क। और हजरत उमर ने तय कर दिया था रजी अल्लाह तआला अन्हु कि जितने इलाके फतह हुए, ये मिस्र है, ये इराक है, ये शाम है, ये ईरान है, सारी जमीनें मुसलमानों की इज्तिमाई मिल्कियत। काम करने वाले चाहे यहूदी हो चाहे मजूसी हो चाहे ईसाई हो चाहे वो मुसलमान हो जाएं, जमीन खराजी रहेगी, जमीन से खराज जाएगा बैतुल माल में, ताकि तमाम उम्मत की बहबूद में सर्फ हो सके। तीन काम कर दीजिए, बाकी सारी मार्केट फोर्सेस, फ्री इकोनॉमी, पर्सनल इंसेंटिव, पर्सनल ओनरशिप, सारी चीजें, सारे उसूल जिसकी वजह से कि सरमायादारी को फतह हासिल हुई है कम्युनिज्म के ऊपर, वो सारे उसूल इस्लाम के अंदर मौजूद हैं। लेकिन सूद निकाल दो, जुआ निकाल दो, जागीरदारी निकाल दो, अब आओ ओपन कंपटीशन, सरमायाकारी करो। अभी आपने नजम पढ़ी, सरमायादारी को खत्म करना है, सरमायाकारी को फरोग देना है। यह है इस्लाम का निजाम मईशत। अलबत्ता इसमें चौथी चीज, किफालत आम्मा के लिए जकात का निजाम मुकम्मल कायम करो। हर शहरी की बुनियादी जरूरियात की पूरी जिम्मेदारी और किफालत निजाम खिलाफत लेता है। यहां फिर मैं मजबूर हूं, क्या करूं, जिक्र जब छिड़ गया कयामत का, बात पहुंची तेरी जवानी तक, खिलाफत का तस्करा हो और हजरत उमर का जिक्र ना आए, नामुमकिन। खिलाफत का निजाम, जैसे आप कहते हैं कि गुलाब का फूल पूरा खिला हुआ है, लिली इन ब्लूम, खिलाफत का निजाम पूरा खिला हुआ हजरत उमर के दौर में नजर आता है। उसी वक्त कहा था हजरत उमर ने रजी अल्लाह तआला अन्हु कि अगर दजला और फुरात के किनारे कोई कुत्ता भी भूखा मर गया तो कयामत के दिन उमर जिम्मेदार होगा। और जानवर तक का मामला है, मजूसी को देख लिया था बूढ़े को एक कि जो भीख मांग रहा था, वहां के आमिल और गवर्नर से एक्सप्लेनेशन कॉल की, ये भीख क्यों मांग रहा है, जब ये जवान था काम कर सकता था तुम इससे जिजिया ले रहे थे, अब ये बूढ़ा हो गया है कमा नहीं सकता, तुमने इसे भिखारी बना दिया है, इसका वजीफा मुकर्रर करो। जाहिर बात है गैर मुस्लिम टैक्स देंगे, मुसलमान ज़कात देंगे, मुसलमानों के लिए ज़कात से किफालत आम्मा होगी, गैर मुस्लिमों के टैक्सों के जरिए से, वही निजाम जो आज यूरोप में है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में है, बर्तानिया में है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस है या ये के और वेलफेयर का निजाम है, लेकिन इस्लाम का मुकम्मल तरीन वेलफेयर निजाम ज़कात के तहत है। और उसमें गारंटी है हर शहरी की बुनियादी जरूरियात अंडर रिटन, उनकी जिम्मेदारी रियासत के दिल में। हजरत उमर ही का जमाना था कि लोग अपनी ज़कात लेकर फिरते थे, लेने वाला कोई नहीं होता था। इसका भी मैं मसला आपको समझा देना चाहता हूँ। मैंने तो अर्ज किया था मैं तो मुदर्रिस हूँ, अवामी मुकर्रर नहीं हूँ, मैं तो चाहता हूँ आप चीजें समझ कर और उनका इल्म आपका जो है हासिल करके उठे, लोगों को फिर पहुंचाए। ये कैसे हो गया जबकि ज़कात जो है वो तो इस्लामी रियासत में निजाम खिलाफत में हुकूमत लेती है, फिर कैसे हो गया कि लोग अपनी ज़कात लेकर फिर रहे, लेने वाला कोई नहीं। इसको भी जान लीजिए, जैसे जमीन की दो किस्में मैंने बयान की, खराजी और उशरी, ऐसे ही ज़कात के काबिल जो माल है उसकी भी दो किस्में हैं, अमवाले बातें ना,
घरों में रखी हुई कोई नकदी है, कोई जेवर है, कोई और ऐसी चीजें हैं, ये अमवाले बातना कहलाती है। इसकी जकात जबरन हुकूमत नहीं लेगी। अगर इसकी जकात जबरन हुकूमत ले तो घरों की तलाशियां लेनी पड़ेंगी, जाके तकिए फाड़ फाड़ के देखने पड़ेंगे कि कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं है। ये मामला मुसलमानों की उनकी अपनी नीयत पर, ईमान पर, अल्लाह के साथ उनके खुलूस और इखलास पर छोड़ दिया। हाँ वाले जाहिरा, दुकान में 5 लाख का माल पड़ा है, 2.5% दे दो। गोदाम में 10 लाख का माल पड़ा है, 2.5% दे दो। तुम्हारा कारखाना है बहुत बड़ा, इसकी जमीन मुआफ, बिल्डिंग मुआफ, मशीनरी मुआफ, टूल्स मुआफ, लेकिन जो सरमाया चल रहा है, चाहे वो खाम माल पड़ा है चाहे फिनिश्ड, टोटल की मालियत के ऊपर 2.5% दे दो। ये है जकात, जिसको बदनाम किया ज़ियाउल हक साहब ने। सिर्फ सूद जो है, सूद वाला जो सिर्फ बैंकों के अंदर डिपॉजिट है, उससे 2.5% लेकर उसे जकात करार दे दिया। हालांकि वो तो कुछ जकात ना हुई, सूद का कमीशन हुआ, उसके सिवा कुछ भी नहीं। जकात तो यह है कि हर दुकानदार, और मुझे यकीन है मुसलमान देगा, आप उसे इनकम टैक्स जैसे लानती टैक्स से निजात दीजिए जिसने उसे झूठ बोलने पर मजबूर किया हुआ है। यह लानती टैक्स है दर हकीकत, कि जिसने हर शख्स को झूठा बनने पर मजबूर कर दिया है। इनको खत्म करें। जकात तो मुसलमान अपने ईमान के तकाजे पर देगा, और वो देगा और खुशी से देगा। ये आधा, ये पूरा निजाम जो है उसको इख्तियार किया जाए जकात के, तो पूरी वेलफेयर स्टेट, दुनिया के बुलंद तरीन मेयारात की वेलफेयर स्टेट कायम हो जाए। तरक्की है, तालीम है, उनमें कोई रुकावट नहीं। खवातीन काम करें, कोई रुकावट नहीं। क्या चीज निकालनी है? बेहयाई, बेहिजाबी, उरियानी निकाल दो। सत्रो हिजाब एनफोर्स करो। सेग्रीगेशन, औरतों के स्कूल अलहदा, मर्दों के अलहदा, औरतों के कॉलेज अलहदा, मर्दों के अलहदा, औरतों की यूनिवर्सिटी अलहदा, मर्दों की अलहदा, औरतों के अस्पताल अलहदा, मर्दों के अस्पताल अलहदा, किसी दर्जे में तो हमारे यहां है। इसको आगे बढ़ाओ, यूनिवर्सिटी बनाओ। इसी तरीके से अस्पताल में, मर्दों के अस्पताल में औरतों को नर्स रखना क्यों लाजिम है? क्या मर्द नर्सिंग नहीं कर सकते? क्या फौज की जो फॉरवर्ड यूनिट्स होते हैं मेडिकल, क्या उनमें औरतें जाती हैं नर्सों की हैसियत से, जहां असल जरूरत होती है? किसी का बाजू उड़ गया है, किसी की टांग उड़ गई है, किसी का पेट चाक हो गया है, आंतें बाहर है, बड़ी टेंडर नर्सिंग की जरूरत है, वहां तो औरत नहीं जाती, वहां तो मेल नर्सिस है। तो मर्दाना अस्पतालों में मर्दों को नर्स रखो, जनाना अस्पतालों में औरतों को नर्स रखो। औरतें मरीज हों, औरतें डॉक्टर हों, औरतें जो है नर्सिंग करें, वहां की इंतजामिया भी औरतों को दीजिए। फिर यह है कि सारी प्राइमरी एजुकेशन औरतों को दे दीजिए। छोटी उम्र के बच्चे हैं, उन्हें औरत के अंदर अल्लाह ताला ने जो शफकत मादरी रखी हुई है फितरी तौर पर, जरूरत है उस टेंडर एज में। तो इरादा अगर हो जाए तो हर काम हो सकता है, इरादा चाहिए। यह कि बेसतरी, बेहिजाबी, उरियानी, फहाशी का खात्मा करो। नंबर 2, शराब और मुनशियात का खात्मा करो। उसके लिए आयरन हैंड बल्कि आयरन फिस्ट की जरूरत है। ये करके दिखाया, ईरानियों ने करके दिखा दिया, हमसे कहीं ज्यादा गिरे पड़े थे, हमसे कहीं ज्यादा ये खराबियां उनके माशरे में मौजूद थी। करके दिखाया कि नहीं करके दिखाया? ये हो रहा है। लिहाजा ये कि ये काम किया जाए, और जिना और कजफ के जो असल अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह के रसूल की तरफ से जो सजाएं हैं और हुदूद और ताजीरात हैं, उनको नाफिज किया जाए। ये 3 चीजें कर दीजिए, यही माशरा होगा। कोई ये नहीं कहता कि सहराओं में जाकर आबाद हो, कोई आपसे ये नहीं कहता कि जाइए दोबारा ऊँटों पे सफर शुरू कीजिए। जो तरक्की हुई है, अल्लाह ताला ने इल्म दिया है इंसान को, अल्लाह ताला ने टेक्नोलॉजी अता फरमाई इंसान को, और रहमान, रहमान का दिया हुआ इल्म है, अल्लामा आदम अस्मा कुल्लहा, ये उसी इल्म अस्मा का जहूर है पूरी दुनिया के अंदर। इसे खैर का, बरकत का जरिया बनाओ। मैंने 3 बातें बताई आपको। नंबर 1, अल्लाह की हाकमियत, किताब और सुन्नत की टोटल बालादस्ती। नंबर 3, और गैर मुस्लिमों को कानून साजी में शरीक नहीं किया जा सकता, वो प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी, उनकी जान माल इज्जत और आबरू की हिफाजत का जिम्मा है, मजहबी आजादी का जिम्मा है, लेकिन वो हमारी कानून साजी में, आला तरीन सतह की पॉलिसी साजी में शरीक नहीं हो सकते। नंबर 2,
यही सारा निजाम, यही सरमाया काराना निजाम, सरमाया दाराना निजाम को तीन चीजें निकाल देंगे, वो सरमाया दाराना नहीं रहेगा, सरमाया काराना हो जाएगा। ये सरमाया काराना निजाम, सूद निकाल दो, जुआ निकाल दो, जागीरदारी खत्म कर दो, यही रहमत हो जाएगी। अल्लाह की रबूबियत आम्मा, रबूबियत कामिला के आपको मंजर नजर आएंगे। जागीरदारी का खात्मा कर दीजिए। इसी तरीके से बेहजाबी, फहाशी, उरियानी, नंबर दो शराब और मनशियात, नंबर तीन जो असल जो हुदूद हैं शरीयत के उनको नाफिज कीजिए ताकि माशरा इस्लामी माशरा बने। अब आखिरी बात है मेरी, और उसी के ज़िमन में कुछ मतालबे हैं जो आज हमें करने हैं हुकूमत से। पहली बात यह कि यह खिलाफत कैसे आएगी। इस मौजू पर भी मैं अर्ज कर रहा हूं कि मैं कम से कम 15 साल से मुसलसल तकरीरें कर रहा हूं। इतनी मोटी किताब उर्दू में मनहज इंकलाब नबी मौजूद है, इसके मौजू पर अंग्रेजी में कैसेट, उर्दू में कैसेट, वीडियो कैसेट, ऑडियो कैसेट, मेरी तरफ से मवाद पूरा मौजूद है। पहला मरहला क्या है गौर से सुनिए, इसलिए कि इसके मुखातिब अब आप हैं बराह रास्त हर फर्द। खिलाफत का निजाम कायम करना है तो पहले अपनी जात में खलीफा बनिए। अल्लाह ने आपको एक जिस्म दिया है, जबान दी है, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, ये सब आपके पास अल्लाह की अमानत हैं। इन पर अल्लाह की हुकूमत कायम की, अपने वजूद पर, अपने घर में खिलाफत कायम कीजिए, आप खलीफा बन जाएं, आप निजाम अल्लाह का नाफिज करें अपने जात पर, अपने वजूद पर, अपने घर में। और साथ ही इंफिरादी सतह पर तय कर लीजिए सूरह हदीद की आयत नंबर 7, आमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह। जिस जिस चीज में अल्लाह ने तुम्हें खिलाफत अता की है, दौलत दी है, माल दिया है, जायदाद दी है, औलाद दी है, जहानत दी है, फतानत दी है, खताबत दी है, जो दिया है लगा दो, खपा दो, खर्च कर दो अल्लाह के दीन के लिए। यह है पहली खिलाफत, अपने वजूद पर अल्लाह की हुकूमत कायम करो, अपने घर में अल्लाह की हुकूमत कायम करो, अपनी माशरत इस्लामी बनाओ, अपने माश को इस्लामी बनाओ, और जो कुछ अल्लाह ने दिया है, जिस्म और जान की तवानाइयां हो, सलाहियतें हो, कुव्वतें हो, माल हो, औलाद हो, लगा दो, खपा दो, सर्फ कर दो अल्लाह ताला के दीन के गलबे के लिए। यह है इंफिरादी खिलाफत। जान लीजिए जब तक अफराद इस खिलाफत का हक अदा नहीं करेंगे, इज्तिमाई खिलाफत कभी नहीं आएगी। आरजुएं करते रहिए, लैसा बेअमानियकुम वला अमानी अहले किताब, ना तुम्हारी ख्वाहिशों से कुछ होगा ना अहले किताब की ख्वाहिशों से होगा। उन्होंने भी किया है तो बड़े पापड़ बेल कर किया है जो कुछ किया है, और तुम्हें भी करना होगा तो बड़ी ताकत सर्फ करके और मेहनत करके, कुर्बानियां देकर करना होगी। ये महज दुआओं से भी नहीं हो सकता, दुआएं मुंह पर दे मारी जाती है। जो कुछ कर सकते हो कर गुजरो, फिर दुआ मांगो, दुआ कबूल होगी। अगर यह नहीं है तो दुआ मुंह पर दे मारी जाए। लिहाजा अगर काम करना है, तीसरी बात, महज दावत और तबलीग और नसीहत और वाज से नहीं होगा। अगर महज दावत और तबलीग और तालीम और तरबियत और वाज और नसीहत से हो जाता तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान तो खुजा किसी काफिर के खून का एक कतरा जमीन पर न गिरने देते। आपसे ज्यादा रऊफ और रहीम कौन होगा। लेकिन आपने भी हाथ में तलवार ली है, वंजलनल हदीद, हमने लोहा उतारा है, फीहे बासुन शदीद, उसमें जंग की सलाहियत है, व मनाफिउल नास, लोगों के लिए और फायदे भी हैं, तवा पर हाथ फुकनी चिमटा भी बना लेते हो, लेकिन असल में यह है जंग के असलहा के लिए, और ये तुम्हें इसलिए दिया गया, वले यालम अल्लाहु मन यंसुरहु व रुसुलहु बिल गैब, कौन है जो इस हथियार को हाथ में लेकर खड़े हो और अल्लाह और उसके रसूलों की मदद करे। अल्लाह और रसूल की मदद से मुराद क्या, उसका निजाम खिलाफत का। तो महज दावत और तबलीग से नहीं होगा, और इंतखाबात से तो बिल्कुल नहीं होगा। ये तो यूं समझिए कि वाकया ये है कि अगर आप मुझसे पूछें, सबसे बड़ा सदमा जो मुझे है, सबसे बड़ा सदमा वो उन मजहबी जमातों के किरदार की वजह से है जिन्होंने इस मुल्क में आकर
सियासत की कशाकश और इंतखाबी सियासत के अंदर अपना सारा वक्त सारी तवानाइयां जाए कर, कुछ हासिल नहीं हुआ, घुट्टी में ऐसा पड़ गया है, कुछ चस्के ऐसे लग गए हैं, कुछ वीआईपी ट्रीटमेंट, मैंने भी 2 महीने मजा चखा इसलिए जानता हूं। अल्लाह ताला जो है इस तरह के तजुर्बात करा देता है, वरना कैसे अंदाजा हो। वीआईपी अलहदा उतर रहे हैं, आपके लिए गाड़ी आपके बिल्कुल दरवाजे पर खड़ी हुई है, सीढ़ी से उतरे आप जहाज के और गाड़ी मौजूद है, ये सारी वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। और ये कॉरिडोर्स ऑफ पावर में घूमना फिरना, इन जागीरदारों के साथ बैठना, इनके से वलीमे करना, उनके से ठाट, जाहिर बात है उनके वलीमों में जाएंगे तो उन्हें भी बुलाएंगे, वैसे ही करने पड़ेंगे, फिर लाखों करोड़ों आप भी खर्च करेंगे। ये सारी लानतें जो आई हैं मजहबी जमातों के अंदर, ये सिर्फ इस इंतखाबी सियासत की वजह से। मैं बड़े सदमे से अर्ज कर रहा हूं, वाकया ये है मेरे नजदीक, इस मुल्क में इस्लाम के न आने का पहला मुजरिम मुस्लिम लीग नहीं है, पहली मुजरिम वो जमातें हैं जिन्होंने अपना सारा वक्त इंतखाबी सियासत में और इख्तदार की कशाकश में सर्फ कर दिया है। मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा एहसान, कायदे आजम का बहुत बड़ा एहसान, उन्होंने आपको मुल्क ले दिया, इससे ज्यादा का ना उनका दावा था ना उनसे तवक्को हो सकती थी। पीर जमात अली शाह ने यह कहा था, मैं उनके कौल का बहुत बड़ा कायल हूं, उनकी जहादत और फतानत का, जब उनसे कहा गया है रहमतुल्लाह अलैह कि आप इतने बड़े, आप मुक्तदा हैं, मुर्शिद हैं, इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत है, एक दाढ़ी मुंडे के हाथ पर बैत कर लिया आपने, इशारा था कायदे आजम की तरफ। हजरत पीर जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, भाई मैंने उसके हाथ पर बैत नहीं की, मेरा तो मुकदमा है, एक कौमी मुकदमा है हिंदू कौम के साथ, और मुझे उस मुकदमे के लिए ऐसा वकील चाहिए जिसमें 2 वश मौजूद हो, महारत पूरी हो, कानून को जानता हो, माहिर हो, और दूसरे ये कि बिकने वाला ना हो। मैंने अपने कौमी मुकदमे के लिए वकील किया है मोहम्मद अली जिन्ना। जाहिर बात है 100% बात सही, और उनके इस किरदार को दुश्मनों ने माना, नेहरू ने, गांधी ने, उनके बड़े बड़े दुश्मनों ने माना। ये सब जो कहता है he means what he says, ये जो कहता है वही उसके दिल में होता है, इसके यहां कोई हेर फेर नहीं है। बहरहाल उन्होंने मुल्क ले दिया, ये बहुत बड़ा एहसान। आगे काम था रिजाल दीन का, रिजाल दीन या तो लगे रहे सिर्फ अपने मदरसों में और खानकाहों में, तब्दीली का एहसास ही नहीं हुआ कि कितना बड़ा इंकलाब आ गया है, अब हम अंग्रेजी दौर में नहीं है, अब ये एक मुसलमानों की हुकूमत बन गई है, अब तो तवानाई होनी चाहिए इसको इस्लामी बनाने के लिए। और जो जमातें चली गई इंतखाबात में, वाकया ये है कि सबसे घिनौना किरदार, और इस मुल्क में इस्लाम के आने में जो जो भी रुकावट रही है, सबसे बड़ा फैसला कुल रुकावट का मामला इन मजहबी जमातों का किरदार। इससे हट कर क्या करना है, मैंने अर्ज किया पहले और ये मैं आपसे कह रहा हूं, खुदा के लिए सोचिए, आज की रात जाकर सोचिए, खलीफा बनना है अपनी जात में, अपने वजूद पर खिलाफत कायम कीजिए, अपने घर में खिलाफत कायम कीजिए, तौबा कीजिए अल्लाह की जनाब में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा, बड़े खलूस के साथ तौबा कीजिए, अपनी माशरत को, मईशत को दुरुस्त कीजिए, और ये कि अपना तन मन धन, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसका फैसला कीजिए। ये पहला मरहला है बड़ा कड़वा, बड़ा भारी, लेकिन ये भी मैं आपसे अर्ज कर दूं, जो इरादा कर ले उसके लिए बहुत आसान, अल्लाह ताला की मदद आती है। तुम करो हिम्मत, तौफीक हम देंगे, तुम करो फैसला, तहसीर हमारी तरफ से होगी, आसानी हमारी तरफ से होगी, फसन यस्सरहु लिलयुसरा, आसानी के लिए आसान करते चले जाएंगे। जो पहाड़ नजर आते हैं शुरू में, मालूम होता पहाड़ नहीं, रेत के टीले थे, हमारे कदमों तले बिखर कर रह गए हैं। करके देखिए, इरादा कीजिए, अज़्म कीजिए, तय कीजिए, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, और मेरे पास जो कुछ है वो सब मेरे खुदा का है, मुझे उसी के लिए, सिर्फ अपनी जिंदगी का तार बरकरार रखने के लिए, जो नागुज़ीर जरूरत है वो पूरी करो, बाकी लगा दो, खपा दो। आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अनफिकू मिम्मा जअलकुम मुस्तखलफीन फीह, जिस जिस चीज में खिलाफत दी है खर्च कर। दूसरा मरहला, ये खुलफा, अभी अंसारी साहब ने वो आयत आपको सुनाई थी, सुम्मा जालनाकुम खलाइफ, खलाइफ जमा है खलीफा की, हर मुसलमान खलीफा है,
ये समझ लीजिए अच्छी तरह। वो तो सिर्फ ये है कि जैसे ये जो काफिराना निजाम है जमहूरियत का, जो मादा परस्ताना इंसानी हाकमियत की बुनियाद पर, उसमें भी हर शहरी हाकिम होता है, अपने वोट के जरिए से वो अपनी हाकमियत का इख्तियार मुंतकिल करता है, वो नुमाइंदा बनकर आता है, गोया कि उन्होंने अपनी हाकमियत डेलीगेट की है उस शख्स को, उस सदर को, चाहे वो बुश था और चाहे वो क्लिंटन है। वरना हाकमियत तो पॉपुलर है, अवाम की है। इस्लाम में खिलाफत अवाम की है, लेकिन अवाम मुसलमान जो अल्लाह को मानने वाले हैं उनकी खिलाफत है। और उनकी खिलाफत, पहले वो अपनी जात में खलीफा बनेंगे, फिर अपनी खिलाफत का एक हिस्सा एक खलीफा को मुंतकिल करेंगे। जब तक खिलाफत नहीं होती, एक जमात के अमीर को मुंतकिल करेंगे वही हिस्सा। अलैकुम बिल जमा, ताकत बनो, कुव्वत बनो। अलैकुम बिल जमा, यदुल्लाह अलल जमा, अल्लाह की ताईद, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की तरफ से बरकत जमात पर आती है, अफराद पर नहीं आती। जमा हो जाओ। हजरत उमर ने तो जो असर नकल फरमाया वो आखिरी दर्जे का हो सकता है। ला इस्लामा इल्ला बिल जमा, वला जमा इल्ला बिल इमारा, वला इमारा इल्ला बिस समा, वला समा इल्ला बिल इताअ। इस्लाम है ही नहीं जमात के बगैर, और जमात नहीं है इमारत के बगैर। इमारत बगैर इसके बगैर नहीं हो सकती कि उनका हुक्म सुनो, और सुनने का कुछ हासिल नहीं जब मानो ना। इसीलिए फरमाया आमरुकुम बिखमसिन, मुसलमानों में तुम्हें पांच बातों का हुक्म दे रहा हूँ। अल्लाह अमरनी बिहिन्ना, अल्लाह ने मुझे उनका हुक्म दिया है। बिल जमात व समय व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। तफसील में जाने का मौका नहीं। दूसरा मरहला जमात, हमने इसी उसूल पर तंजीम बनाई, हमने इसीलिए उसकी बैत का निजाम कायम किया। नहनु लजीना बायउ मुहम्मदा अलल जिहाद मा बकीना अबदा। सहाबा कहते बायाना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला समय व ताअत फिल उसर वल युसर वल मनशद वल मकर व अला असरत अलैना व अला ला नुनाजिल अमरा लहु व अला अन नकूल बिल हक अनमा कुन्ना ला नखाफु फिल्लाहि लौमत लाइन। फिर सदमे की बात कह रहा हूँ, कोई मजहबी जमात सिवाय तंजीम इस्लामी के नहीं है जिसने इस मसनून तरीके तंजीम को इख्तियार किया हो। अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कह रहा हूँ, तहदीसन लिन्नामा कह रहा हूँ, इस बैत की सुन्नत को ताजा किया हमने, जमात बनाई हमने। हमारे यहाँ बैत रह गई थी सिर्फ पीरी मुरीदी की बैत, सिर्फ इस्लाह नफ्स की बैत। असल बैत वो दर हकीकत जो मसनून बैत है, वो बैत जिहाद है, वो बैत जमात है, ताकि अल्लाह के दीन को कायम करने के लिए, खिलाफत को बरपा करने के लिए इज्तमाही जद्दोजहद की जा सके। इसके बाद ये जमात क्या करेगी? वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदूना इलल खैर वयामुरून बिल मारूफ वयनहून अनिल मुनकर। इंतखाबात नहीं लड़ेगी, किसी को कंधा देकर ऊपर नहीं पहुंचाएगी, फिर उसकी टांग घसीट कर नीचे नहीं गिराएगी। ये धंधे नहीं करने, ये खेल नहीं करने, इधर जाना ही नहीं। ये तो एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये एक ही निजाम, दोनों अमेरिका के यक्षा गुलाम, दोनों जो है इसी सेकुलरिज्म के का दूध पीकर, सूद का दूध पीकर कोई जमा हुआ है, और कोई जागीरदारी की घुट्टियां उसके उसकी घुट्टी में पड़ी हुई है, ये उसकी पैदावार है। इनमें से किसी के साथ कोई खैर नहीं है। लेकिन ये कि इलेक्शन तो जब भी कराओगे वही आएंगे। लाख आप तीसरी कुव्वत बनने की उम्मीद में एयर मार्शल असगर खान बूढ़े हो गए, दूर असकार हुए, अब उम्र रफ्ता हुए, अब काजी हुसैन अहमद साहब तीसरी कुव्वत बनने की फिक्र में आए थे, कभी वो ताहिरुल कादरी साहब तीसरी कुव्वत बनने की फिक्र में आए थे। जब तक यहाँ जागीरदाराना निजाम है, कौन सी तीसरी कुव्वत आ सकती है? मत मारी गई है, अकलें जो है अब बेच खाई है, क्या हुआ है? कभी तो आखिर होश आना चाहिए। ये वही आएंगे, एक लगारी नहीं दूसरा लगारी, एक मजारी नहीं दूसरा मजारी, ये तो वही आएंगे, उन्हीं का खेल है। एक बहुत बड़ा तुम्मनदार सर जमाल खान लगारी, उसका पोता आज है आपका सदर। एक और बहुत बड़ा तुम्मनदार, दोनों सर थे, सर शाह नवाज भुट्टो, उसकी पोती वजीर आजम। ये तो इनका जो है म्यूजिकल चेयर्स का गेम है। तुमने खामखा जाकर अपने आप के अपनी इज्जत का भी ढेरा कराया, अपनी जो है वो औकात जाय किए हैं। इसकी बजाय करना क्या है? नहीं अनिल बुनकर, बदी से रोको। जब तक ताकत नहीं है काफी, ताकत फराहम करते रहो, जमा करो। आइतू लहु मस्तताकू, अपनी नफरी बढ़ाओ, तरबियत बढ़ाओ, इशार और कुर्बानी का मादा बढ़ाओ, नज्म की पाबंदी का जज्बा बढ़ाओ, बढ़ाते रहो, बढ़ाते रहो। बानशाए दरवेशी दरसाद दमादमदन चू पुख्ता शबी
खुदरा पर सल्तनत जमजम, जब ताकत काफी हो जाए अब मैदान में आओ, ललकारो, कहो अब नहीं चलने देंगे इस हराम काम को, नहीं चलने देंगे इस मुल्क में सूद को, नहीं चलने देंगे इस मुल्क में जागीरदारी को, नहीं चलने देंगे यहाँ बेहयाई और फहाशी को, घेराव करेंगे, पिकेटिंग करेंगे, किसी की जान और माल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इदारों का घेराव होगा, इन तमाम चीजों की बुराइयों का इस्तेसाल होगा, फिर गोलियां चले सीनों पर खाएंगे, अल्लाह वो दिन लाए और हमें उसका उसके लिए अहल बनाए, शहादत है मतलूब और मकसूद है मोमिन, न माले गनीमत न किश्वत कुशाई, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, इसके बगैर जो भी ख्वाब देखता है जन्नतुल हुमका में रहता है या अपने आप को धोखा दे रहा है या दूसरों को धोखा दे रहा है, और कोई इम्कान नहीं है, एक ही रास्ता है, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह और उनके साथियों को इन्हीं वादियों में से गुजरना पड़ा, अगर ताइफ का पथराव मोहम्मद रसूलुल्लाह को अपने जिस्म अथर पर झेलना पड़ा, दंदाने मुबारक मोहम्मद रसूलुल्लाह के शहीद हुए, खून का फव्वारा उनका छूटा, सैकड़ों सहाबा जिनमें हजरत हमजा जैसे भी है, असदुल्लाह व असद रसूली, जिनकी लाश का नक्शा अभी आपने सुना, नाक कटी हुई है, कान कटा हुआ है, पेट चाक करके कलेजा चबाया गया है, हुजूर को जो सदमा हुआ है, मदीने जब वापस गए हैं अंसार के घरों से औरतों के बैन करने की आवाजें आई, उस वक्त तक हुरमत नहीं हुई थी और औरतों का रिवाज था जैसे हमारे यहाँ देहात में जिस तरह खवातीन नौहे करती हैं बैन करती हैं, उस वक्त तक वहां उनके यहाँ भी रिवाज था, तो वहां हो रहा था, 70 सहाबा शहीद हुए थे, वो कोई हर शहीद किसी का बेटा था, किसी का शौहर था, किसी का भाई था, किसी के साथ कोई और रिश्ता था, पूरा मदीना जो है मातम कदा बना हुआ था, उस वक्त हुजूर की जबान से भी अल्फाज निकल गए, अम्मा हमजा तो फला बवाकी लहू, हाय हमजा के लिए तो कोई रोने वालियां भी नहीं। तब अंसार ने अपने घरों से भेजा खवातीन को हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ, वहां जाओ और ताजियत करो, ये सारी वादियां हैं जो तय की हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु, सफर तबूक हुआ है जिसे जैशुल उसरा कहा गया है, ऐसा मरहला भी आया है, तीन तीन मुजाहिदीन को 24 घंटे के राशन में एक खजूर मिली, एक खजूर 24 घंटे का राशन, उन लोगों ने ये कुर्बानियां दी हैं, इसके बगैर नहीं होगा, तो जाहिर बात है उसके लिए पहले तैयारी, कच्चे पक्के लोग अगर ले आए तो खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले, इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर, ये तो पुख्तगा खाम है जब तक तो है मिट्टी का एक अंबार, तू पुख्ता हो जाए तो है शमशीर बेदिनहार, तू वो पुख्ता हो जाए अब टक्कर मोल लो, आगे बढ़ो, ललकारो, आंखों में आंखें डालो, बातिल का मुकाबला करो, उसके इस्तीसाल के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देने को सबसे बड़ी कामयाबी समझो, यही वाहिद रास्ता है, इसके सिवा जब वो मरहला आ जाएगा, अल्लाह करे कि वो आए, और मैं अब इस वक्त तो बयान नहीं कर सकता, वक्त बहुत हो गया है, मेरी जो एक किताब छप चुकी है साबिक़ और मौजूदा मुसलमान उम्मतों के कमाली हाल और मुस्तकबिल, आने वाली जो आदात हैं उनका एक नक्शा मैंने बयान किया जो अहादीस नबिया में आया है, मेरा अंदाज़ा यह है कि अब मामला ज़्यादा दूर का नहीं है, बल्कि हमारे लिए तो न दूर का है न देर का है, इंशाअल्लाह यहीं से होगा, बस सिर्फ ये है कि फरेब खुर्दा शाही और भटका हुआ आहू जो है उसे फिर अपनी मंजिल याद आ जाए, कभी भूली हुई मंजिल भी याद आती है राही को, और भटके हुए आहू को फिर सुए हरम ले चल, इसके लिए वो रहनुमाई दरकार है, आप में से हर शख्स रहनुमा बनकर उठे, इस दावत का मुबल्लिग बनकर उठे, जैसे कि हुजूर ने अपने खुतबे के आखिर में फरमाया था, फलयुबल्लिगी शाहिदुल गायबा, अब जो यहाँ मौजूद है वो अपना फर्ज समझे के दूसरों को पहुंचाएंगे, इस हवाले से ये है कि हमारा लिटरेचर, हमारे वीडियो ऑडियो वो हम हर मैदान में मौजूद है, चीजें लीजिए इस्तेमाल कीजिए, अब मैं चंद आपके सामने और आपकी ताईद के लिए मतालबात रख रहा हूं, पहला मतालबा ये है, ये जलसा आम अगर आपको ये सब सुन लीजिए मंजूर हो तो हाथ उठाइएगा ताईद कीजिएगा, वो आज के रेजोल्यूशन की हैसियत से ये इसको फिर शाया किया जाएगा, ये जलसा आम हुकूमत पाकिस्तान और इसमें इख्तलाफ दोनों से पुरजोर मुतालबा करता है कि करारदाद पाकिस्तान की रोशनी में कुरान और सुन्नत की मुकम्मल और गैर मशरूत बालादस्ती का बिला ताखीर ऐलान किया जाए और उनके लिए जरूरी दस्तूरी तरमीम का फौरी एहतमाम किया जाए, हम ये सिर्फ हुकूमत से नहीं कह रहे, हिज़्ब-ए-इख्तिलाफ को भी कह रहे हैं, खुदा के लिए होश के नाखून को,
तुम कौन सा पैकेज दे रहे हो और तुम कौन सी शराइत मंजूर करवा रहे हो। असल इस मुल्क की जो निजात है वो इसमें, ये काफला रुका खड़ा है तो इस जगह रुका खड़ा है, इसको तय करो ये कड़वी गोली। और ये जाहिर बात है, अब तो हुकूमत करना चाहे तो नहीं कर सकती, ऑपोजिशन करना चाहे तो नहीं कर सकती, उनसे वो आठवीं तरमीम नहीं खत्म हो रही किसी से। लिहाजा इसके लिए अगर इत्तेफाक करना है, इत्तेहाद करना है, इस पर करो। नंबर दो, जो तारीखी फैसला दिया था फेडरल शरीयत कोर्ट ने, उसके खिलाफ जो अपील दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में, वो वापस ली जाए। इस मुल्क के अंदर से सूद फौरन खत्म किया जाए। यहां के सूद खोरों को, हराम खोरों को एक पैसा सूद का आइंदा न दिया जाए, तय कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अगर हम अपने मुल्क में खत्म कर देंगे, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर हम अपने मुल्क में खत्म कर देंगे, बस कार्तिकार हाथ बढ़ाओ, कार्तिकार हाथ बढ़ाओ। अगर हम अपने मुल्क में खत्म कर दें तो बाहर भी हम कहने के काबिल हैं। हमारे दीन का मामला है, हम इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और हमारे दीन का हमें हुक्म यह है कि मकरूज को मोहलत मिलनी चाहिए। हम तुम्हारे कर्जे देंगे अगर हमें मोहलत हुई और हमारे पास हुआ, लेकिन यह कि सूद का एक पैसा नहीं देंगे, ये हम तय कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी हिम्मत दे, तौफीक अता फरमाए। तीसरा मतालबा, नाम नेहाद बैरूनी सरमायाकारी की सूरत में डॉलर का सैलाब उमड़ आने के मंसूबे पर यह इज्तिमा इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए यह मतालबा करता है कि पाकिस्तान को अपने पांव पर खड़ा करने के लिए मुल्की वसाइल और मकामी सनअतों के भरपूर तौर पर बरूए कार लाने का एहतमाम किया जाए। ये बाहर का सरमाया नहीं चाहिए, इसके पीछे लानत है। मनईम सिद्दीकी साहब की नज़म खुदा करे यहाँ के नौजवान सब याद कर ले, तू आए तो डॉलर आएगा, रिबा भी फैलेगा, जिना भी, ये सारी बदमाशियां जो है इस डॉलर के साथ आएंगी, जिसको कि हम समझ रहे हैं बहुत बड़ी कामयाबी है। साबिका हुकूमतों के वजीर खजाना जाकर कुछ कर्जा ले आते थे, बड़े फूले नहीं समाते थे, सूद में और बिंधा कर आते थे कौम को और मुल्क को। और आज अगर कोई सरमायादार ले आए तो मालूम हुआ कि बहुत बड़ी कामयाबी हो गई। और यहाँ के सरमायादारों पर पाबंदियां, यहाँ के सनअतकारों के ऊपर पाबंदियां, ये सारी सूरत हाल जो है ये एक इंकलाब का तकाजा करती है। नंबर चार, ये इजलास हुकूमत से मुतालबा करता है कि टेलीविजन पर उरियानी और फहाशी के फरोग की पॉलिसी पर हम गहरी तशवीश जाहिर कर रहे हैं और मुतालबा करते हैं कि सऊदी अरब, देखिए जहां से हमें जो खैर मिलेगा उसका जिक्र करेंगे, जहां जो खराबी है वो अपनी जगह है। सऊदी अरब और ईरान दो मुल्क हैं जिन्होंने अपने यहां ये डिश एंटीना, स्टार टीवी वगैरह के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है, तो हम क्यों नहीं लगा सकते? क्यों हमने अपने दरवाजे आसमान खोल दिए हैं, ये ओपन स्काई कर दिया है, हमारे हर घर के अंदर पहुंच जाओ, अपना जहर फैलाओ, अपना तमद्दुन, अपनी तहजीब जो है उसके फरोग के लिए हमारे बच्चों के जहन तुम्हारे लिए खुले हैं, एक्सपोज्ड हैं, हमारी खवातीन के जहन तुम्हारे लिए खुले हैं। बहरहाल, और जो पाकिस्तान का अपना टेलीविजन है न करें। नंबर पांच, ये इज्तिमा हुकूमत की बहबूद आबादी के नाम पर चलाई जाने वाली मुहिम, जिसमें आबादी को कंट्रोल इख्तियार करने की तरगीब दी गई है, उसकी पुरजोर मजम्मत करता है। नंबर छह, फेडरल शरीयत कोर्ट पर जो पाबंदी लगाए रखी जियाउल हक ने भी, अब फौत हो गया है, अल्लाह उसे माफ करे, हम यही कहेंगे, लेकिन यह कि मैंने तो उनसे जबानी कहा था रू दर रू कि आप अपने माथे पर कलंक का टीका लेकर फिर रहे हैं, वो चौके। ये पांच जो इस्तीफा दे गया हूं, लेकिन आखिरी इत्माम हुज्जत के लिए मैंने उनसे कहा कि आपने फेडरल शरीयत कोर्ट बनाई, आपके हैंड रहमहुल्लाह बहुत नेक, बहुत दरवेश परस्त इंसान थे, आपने उन्हें बनाया है जज, पीर करम शाह साहब वो आपके बनाए हुए हैं, तकी उस्मानी साहब आपके बनाए हुए हैं, लेकिन आपने फेडरल शरीयत कोर्ट के हाथ में हथकड़ी डाल दी, आईनी कवानीन पर भी बात नहीं कर सकते, उसमें कोई गैर इस्लामी अगर शिद्द है उसके खिलाफ भी फैसला नहीं कर सकते,
मैं ये नहीं कहता कि जो मैं कहता हूं वो कीजिए। उस वक्त तक गुलाम अहमद परवेज जिंदा थे, मैंने कहा परवेज साहब जो बनाने वाले हैं अय्यूब खान के जमाने में इनायती कवानीन के, वो भी जिंदा है, अदालत में जाए साबित कर दें कि किताब और सुन्नत के मुताबिक है कानून। चश्मे मा रोशन दिले माशाद, लेकिन आपने शरीयत कोर्ट बनाई और उस पर पाबंदी लगा दी। कहने लगे फिर इन खवातीन को कौन मुतमईन करेगा। मैंने कहा बस यही आपकी सोच का मेयार है तो आपका रास्ता और मेरा और, ये इस्तीफा हाजिर है, अस्सलाम वालेकुम। 2 महीने का जुर्म मैंने जरूर किया था, वो VIP ट्रीटमेंट एंजॉय किया था, मैं भी शूरा का रुकन था, कॉरिडोर ऑफ पावर में कोई 2-4 मरतबा जाना हुआ है, अल्लाह माफ फरमाए, वरना यह कि इससे जायद तो इस कूचे से मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा। 5 जुलाई 82 को मैंने इस्तीफा दिया है और फिर उसी महीने अल हुदा के प्रोग्राम का गला घोट दिया गया है। हाँ में हाँ मिलाओ तो TV भी खुला है और तुम्हारे लिए सब कुछ है, और हाँ में हाँ ना मिलाओ, हमसे हक बात मनवाओ तो दरवाजे बंद हैं। लेकिन मुझे कोई तशवीश नहीं हुई, पतन नहीं हुई, मुझे काम करना है, मुझे अपनी जिंदगी लगा देनी है, जो मौका होगा उससे फायदा न उठाऊं तो मुजरिम हूं, अगर मौका नहीं है तो जो कुछ वसाइल दस्तियाब है उनसे काम जारी रखूंगा। 1982 के बाद से 12 बरस और गुजर गए हैं, मैंने तो अपना खून पसीना उसी काम के लिए किया हुआ है, लिहाजा मुझे कोई तशवीश नहीं। तो ये मुतालबा करते हैं हम कि फेडरल शरीयत कोर्ट पर से आईवी कवानीन के बारे में पाबंदी खत्म की जाए। नंबर 7, जिना कजफ और इल्तेदाद की शरी हदूद नाफिज की जाए। ये सारा मसला जो हमारे यहां उठा हुआ है, पूरी ईसाई दुनिया, पोप साहब, अमरीका साहब, और वो एक ईसाई के ऊपर मुकदमा कायम हो गया जबकि उसने के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, पूरी दुनिया जाग उठी है। यही है दर हकीकत इबलीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। दर हकीकत जब तक, और मुझे हैरत होती है, इस मरतबा तो अल्लाह का शुक्र है कि जो खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हुई है रब्वा में, उन्होंने मुतालबा किया है, आज से पहले तो ये मुतालबा करने की हिम्मत नहीं हुई थी, कत्ले मुर्तद की सजा जब तक नाफिज नहीं की जाएगी ये फितने कभी खत्म नहीं होंगे। ना कादियानियत को फरोग जो है खत्म होगा, ना उसको ब्रेक लग सकेगी, ना और जो ईसाइयत का यहां पर फरोग हो रहा है। कत्ले मुर्तद, इस्लाम में मुर्तद की सजा कत्ल है, जब तक कि आप उसको नाफिज नहीं करेंगे ये फितने बढ़ते रहेंगे, इनका सद्देबाब नहीं हो सकेगा। इसी तरीके से फॉरेन पॉलिसी के जिम्मन में 3 बातें, बल्कि फॉरेन क्या, वो तो हमारी अंदरूनी भी है। ये इजलास हुकूमत से मुतालबा करता है, हमें अल्लाह का हुक्म है, अइद्दू लहुम मस्ततअतुम, ताकत फराहम करो, हुक्म है, फर्ज है, वाजिब है, और अल्लाह ताला का बड़ा करम है, उसने हमें एटमिक नो हाउ, उसकी सलाहियत अता कर दी है, वाहिद मुल्क है दुनिया का। और ये भी साबित करता है ये वाकया भी, अल्लाह ताला की मशीयत में कोई बड़ा रोल है इस मुल्क के लिए, अपनी खुदी पहचान, ए मुस्लिम पाकिस्तान अपने मकाम मर्तबे को पहचानो, 400 साल से मुजद्दीन उम्मत की बारिश हवार तुम पर पड़ती रही है, तुमने उसका हक अदा किया, इसके बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए। बहरहाल ये अल्लाह ने हमें तौफीक दी है, इसको भरपूर तरीके पर इसे आगे बढ़ाया जाए, किसी भी दर्जे में रोल बैक न किया जाए। एक और मुतालबा, कश्मीर के मामले में हरगिज UNO या UNO के कोई सेक्रेटरी जनरल या UNO की कोई भी सालिसी कतन कबूल न की जाए। UNO अमरीका का जरखरीद और अमरीका यहूदियों का गुलाम, लिहाजा अगर इस तरफ आपने रुख किया ये कश्मीर कुछ और हो जाएगा, यहां कोई और, कोई इसराइल वजूद में आ जाएगा, कोई यहूदियों को और अमेरिकन को कदम जमाने का मौका मिल जाएगा। आपको मालूम है आज नजद की सरजमीन में अमेरिका की फौजें आके डेरा डाल के बैठ गई हैं, जहां से निकाला गया था अखरजुल यहूदा वन नसारा मिन जज़ीरतिल अरब, निकाल बाहर करो इनको, लेकिन यह कि उनकी डिप्लोमेसी जिस तरीके से दाना फेंका, जाल बिछाया, सद्दाम को फांसा, उसके बाद जो कुछ किया है, बुरकस निकाला इराक का, और इराक का तो जो बुरकस निकला सो निकला, वो अपनी फौजें लाकर वहां बिठा दी, सारा तेल अब उनके कब्जे में है। यही मामला होगा यहां, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देखते रह जाएंगे बिल्लियों की तरह, और वो बंदर चचा साम बंदर जो है सारी रोटी खुद खाएगा, किसी के हाथ कुछ नहीं आएगा। रास्ता दूसरा है, भारत के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करो, उन्हें भी होश आ जाए, कुछ आ चुका है, नजर आ चुका है।
कश्मीर के हुर्रियत पसंदों ने उनके होश ठिकाने कर दिए हैं, लेकिन यह कि बहरहाल बाहमी गुफ्तगू, और अगर कोई सालिसी किसी दर्जे में, कोई गुड ऑफिसेस, कोई भी हमें जरिए दरकार है, तो जो पड़ोसी ममालिक है ईरान और चीन, इनकी मदद हासिल करके कोई मुफाहमत जो है लोकल तय की जाए। यूनाइटेड नेशन जो अमरीका का जरखरीद है, उसका खान आजाद है, और अमरीका के जो यहूदियों का असीर है, उसके जरिए से कोई खैर नहीं आ सकता। और आखिरी मतालबा कि चाहे सारे अरब मुल्क इस्लाम को, इसराइल को तस्लीम कर लें, पाकिस्तान कभी ना करे, इसलिए कि पाकिस्तान इसराइल के तोड़ के तौर पर वजूद में आया है। अल्लाह ने इसे इसराइल के वजूद में आने से एक साल कबल वजूद बख्शा है। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे। असल में तो जंग हमें करनी है, मुकाबला हमें करना है, वहां तक तो हमारी फौजें जाएंगी, हजरत मसीह के साथ होकर लड़ेंगी, हजरत महदी की मदद करेंगी। ये सारा का सारा रोल तो अल्लाह ने हमारे लिए रखा है, लिहाजा किसी सूरत अरब कर लें, मजबूर हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, उनका मामला जो भी है वो जाने, लेकिन चाहे वो तस्लीम कर लें, इसराइल को किसी सूरत में पाकिस्तान तस्लीम ना करे। तिल का आशरत उनका मिला, ये वो 10 मतालबे हैं। आपको ये सारे के सारे मंजूर हैं, आपकी तरफ से इनको पेश किया जाए, अल्लाह करे कि सुनने वालों के कान भी खुल गए हो और उन्होंने भी ये बात सुन ली हो। आखिर में चंद ऐलानात हैं, जैसा कि मैंने अर्ज किया, जो काम भी हम कर रहे हैं अब आप उसमें शरीक हो, तंजीम इस्लामी को समझिए, दिल खुल जाए उसमें शरीक हो जाइए, तहरीक खिलाफत का मुताला कीजिए, दिल खुले उसमें शामिल हो जाइए, वरना ये बातें सही लग रही हैं इन्हें तो पहुंचाइए। ये चार वर्का जिसमें अहादीस है, आयात है, इन्हें हजारों की तादाद में ले जाइए, पहुंचाइए, ताकि मुसलमानों के हौसले बुलंद हों। और ये कि कल और परसों दो मिनट बैठ जाइए, क्या इतनी क़यामत आ जाएगी, तशरीफ रखें जरा, कोई गड़बड़ ना कीजिए, थोड़ी देर के लिए बैठिए। एक बहुत बड़ी तशवीश जो तमाम मुसलमानों को रहती है, आपको लीफलेट यहां मिला होगा, मजहबी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर जमा नहीं होती। मैंने आज से 10 साल पहले भी किया था, अपने मजहबी फिक्र को पेश करके तमाम उलमा को दावत दी थी, आइए तनकीद कीजिए, मेरे साथी मौजूद हैं, मेरे ख्याल में कोई गलती है उनके ऊपर वादे की। अब हमने फिर ये किया है, कल और परसों दो दिन हमने उन जमातों को जो इंतखाबी चक्कर में है उनसे हमारा कोई सरोकार नहीं, वो रास्ता ही और है, उसके तकाजे कुछ और है, उसकी सुगरा कुबरा और है, वो मंजिल उधर की है या इधर की है, लेकिन जो जमातें या इदारे इनकलाबी तरीक़ेकार के कायल हैं और किसी दर्जे में आमिल हैं, कोई इज्तमाई हैत बनाई है, मौलाना मोहम्मद अकरम आवान, तंजीम अल इख़वान, रब की धरती रब का निज़ाम, इसको लेकर उठे हैं, अल्लाह ताला जो है उनको और तौफीक दे। इसी तरीके से कराची में, वैसे वो आम उर्फ आम में मेरे नज़दीक तो ये तमाम चीज़ें जो हैं बेमानी है, मुसलमान मुसलमान है, लेकिन बरेलवी मकतब फिक्र जो कहलाता है उसके एक बहुत बड़े आलिम दीन हैं मुफ्ती सैयद जमालुद्दीन साहब, और जिन्होंने एक तहरीक इस्लामी इंकलाब पाकिस्तान शुरू की है, वो भी तशरीफ ला रहे हैं। और इसी तरीके से मेजर मिनहाज साहब की आपने तकरीरें टेलीविजन पर सुनी होगी, तहरीक फहमुल कुरान उन्होंने शुरू की है, वो भी हमारे यहाँ तशरीफ लाएंगे। अहले हदीस हजरात का जो एक बड़ा जलसा हो रहा है या हो रहा था, उनके जो अमीर हैं प्रोफेसर मोहम्मद सईद साहब, हमने उन्हें भी दावत दी है। ये देख लीजिए, हमें आज तक किसी ने दावत नहीं दी है, हम दावत देते हैं, हम बुलाते हैं, आइए बात कीजिए, हमें समझाइए, हो सकता है कि बेहतर तरीका हो, है जस्तजू के खूब से है खूब तर कहां, आपके पास कोई बेहतर बात है तो अल हिकमत व दालतुल मोमिन, हिकमत और दानाई की बात तो मोमिन की गुमशुदा मता है, हम कबूल करेंगे। कल और परसों के ये दो प्रोग्राम है, लीफलेट आपको मिल चुका होगा। और आखिरी बात ये, इस साल 7 अगस्त को, अब कितने दिन हो गए, 2.5 महीने हो गए, कॉन्फ्रेंस हुई हिजबुत तहरीर की लंदन में, पूरी दुनिया में तहलका मचा, पूरी मगरबी दुनिया में स्टार टेलीविजन और BBC और न मालूम किस किस पर ये खिलाफत कॉन्फ्रेंस, एक उसका गलगला बुलंद हो गया। अल्लाह ने मुझे भी वहां पहुंचा दिया, मन मीदीद हाजिर मी शबन तफसीर कुरान दरबगल पहुंच गया, 1 घंटे की वहां तकरीर की, जो हजरात यहाँ उन्होंने वीडियो देखा होगा। लेकिन अब मैं मशकूर हूँ वहां जिन लोगों ने वो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की, जो अदाने खिलाफत वहां दी है, उनके जो टॉप के दो लीडर हैं और दो और उनके साथी, वो कल पाकिस्तान आ रहे हैं हमारे इस इज्तिमा में शिरकत के लिए। चुनांचे कल और परसों
जो गार्डन टाउन में, न्यू गार्डन टाउन में, जो कुरान ऑडिटोरियम में जो हमारे इजलास हो रहे हैं उनमें वो हजरात भी शरीक होंगे। ये दो अवामी प्रोग्राम अभी और हैं। आज की रात आपने वक्त निकाला है, कल और परसों की रात भी, और वो इतनी देर नहीं होगी, मगरिब के फौरन बाद शुरू होगा और ईशा हम फारिग होकर पढ़ लेंगे, ज़्यादा ताखीर नहीं होगी। इन प्रोग्रामों में शरीक हों। और वाकया ये है कि 7 अगस्त 1994 की ये लंदन की आलमी खिलाफत कॉन्फ्रेंस, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा तारीखी वाकया है, पूरी दुनिया में गलगला बुलंद हुआ है। उसका हमने निदाए खिलाफत का खुसूसी शुमारा शाये किया है, अभी किया है चंद दिन के अंदर अंदर, जब हमें मालूम हुआ कि वो लोग भी आ रहे हैं। उस कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो तबसरे हुए अंग्रेजी प्रेस में, उसकी कुछ झलकियां तस्वीरी, वो सब के सब जो है वो किताबी शक्ल में निदाए खिलाफत का एक खुसूसी शुमारे की हैसियत से बाहर मौजूद है। जो हजरात भी लेना चाहें वो ले सकते हैं। इन चीज़ों को लेकर लोगों तक पहुंचाइए, कम से कम आज का पैगाम तो लोगों तक पहुंचाने का काम शुरू कर दीजिए। क्या आज आपके जिन्हें आपके ज़रिए से बात पहुंच जाए उनकी ज़िंदगियों में इनकलाब आ जाए, फिर जो खैर भी उनके ज़रिए से वजूद में आएगा उसमें आपका खाता भी अल्लाह के यहाँ खुला रहेगा। अकूल कौली हाजा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। एक मिनट और बैठ के दुआ मांग लीजिए। الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله كل حمد كل ثنا كل شكر اس اللہ کا ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ اگر کوئی بھی ہدایت کی بات آج آپ نے محسوس کی ہو کہ اس اجتماع میں ملی ہے اس پر شعوری شکر ادا کیجیے اللہ کا۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله۔ اور اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا ہم کبھی ہدایت نہ پا سکتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب۔ پروردگار جو ہدایت تو نے ہمیں عطا فرمائی اب اس پر استقامت عطا فرما، اس پر ہمیں جمائے رکھ۔ اے اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے ہم تمام انسانوں کے دل تیری دو انگلیوں کے مابین ہیں، اللہ تو جدھر چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ ہمارے دلوں کو ایمان کی طرف، تقویٰ کی طرف، اطاعت کی طرف، اسلام کی طرف اور اپنے دین کے لیے جان و مال وقف کرنے کی طرف پھیر دے۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانو وحیث و کانو۔ اے اللہ اپنے ہر اس بندے کی مدد فرما جو تیرے نبی کے دین کی خدمت کر رہا ہو، خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو۔ وجعلنا منهم، اے اللہ ہمیں ان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ واخذل من اعرض عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم من کانوا وحیث کانوا۔ اور اے اللہ ہر اس کو ذلیل و خوار کر دے جو تیرے نبی کے دین سے روح گردانی کرے، خواہ وہ کوئی بھی ہو کہیں بھی ہو۔ اور اے اللہ ہمیں بچا اس سے کہ ہم ان کے پھندے میں پھنس جائیں۔ اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع مجیب الدعوات۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضا۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے ہر اس کام کی جو تجھے پسند ہے، جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ اللہم وفقنا ان نقیم نظام الخلافت علی منہاج النبوہ۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ نظام خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کرے بالفعل، فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرا، پاکستان میں ابتداء اور کل روئے ارضی پر آخر کار۔ ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔